सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक एक बार कन्फर्म करेंगे uh, बो चेरा टाइगर चोला बिल्कुल 158, गौरव कृतिका विशाल पनाडा हरीश सिबा मजूमदार गुड इवनिंग सभी को धीरज सिंह शिवम उमर राधा सभी लोगों को गुड इवनिंग पंकज स्टार्ट hmm. करें फिर आज का लेक्चर दैट इज आई नंबर सेवेंथ लेक्चर नंबर थर्टीन और फोर्टीन करने वाले चलिए स्टार्ट करते हैं hmm. पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा विच आर द फॉलोइंग डिजीजेज डिजीज इज कॉज ड्यू टू फंगाई तो कवक की वजह से यहाँ पे कवक जनित रोग कौन सा है ये आपसे सवाल पूछ रहा है ठीक है तो कोविड नाइन्टीन वायरस रिंग वार्म यहां पे सही आंसर होगा हम लोगों ने किस तरह से याद किया था इसको याद करने की ट्रिक क्या है ट्रिक है बरसा ठीक है जहां पे बी है बाल्डनेस ए है अस्थमा आर है आपका रिंग वॉर्म एस है साइफिलिस और ए क्या है एथलीट्स और डिजीज ये फंगाई की वजह से होती है फंगाई की सेलवाल काइटिन के बनी होती है और फंगाई की अगर बात करें वन ऑफ दी किंगडम में एक है मोनेरा प्रोस्था फंगाई प्लांटे एनमेलिया तो फंगाई की अगर बात करें सलवाल काइटिन जो कि कॉम्प्लेक्स सुगर उसकी बनी होती है और फंगाई की अगर बात करें सेप्रोटॉफ़ होता है जैसे इसके टाइप अगर बात करें ईस्ट हो गया ब्रेड मोल्ड हो गया मशरूम हो गया ये इसके टाइप हैं फंगस के ठीक है आगे बढ़ते हैं और विब्रियो कॉलरे ये बैक्टीरियल बीमारी है जो विब्रियो कॉलरे नामक बैक्टीरिया से होती है और माइको बैक्टीरियम ट्यूबो किलॉसिस की वजह से आपका टीबी होता है जिसको वाइट प्लेक के नाम से जानते हैं हम लोग ट्यूबो किलॉसिस और ट्यूबो किलॉसिस के लिए कौन सी वैक्सीन बनी हुई है ज़रा बताइए ट्यू टी से लड़ने के लिए कौन सी वैक्सी वैक्सीन आपकी बी सी जी बैसिलस कैलमेटेन एंड ग्यूरिन सेकेंड सिटी ऑफ फ़तेहपुर सीकरी वॉज बिल्ट बाय तो जो फ़तेहपुर सीकरी की जो सिटी है वो किसने बनवाई थी अकबर औरंगज़ेब शाहजहाँ या फिर जहांगीर तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा ये बनवाई थी अकबर ने ऑप्शन नंबर फर्स्ट किसकी याद पे? शेख सलीम चिश्ती के नाम पे के याद में इसको बनवाया था और यहीं पे आपको देखने को मिलेगा बुलंद दरवाज़ा भी ठीक है बुलंद दरवाज़ा भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा और ये एक्चुअल में ही बिल्ट इट टू कमरेट दी विक्ट्री ओवर गुजरात ये 1575 में बुलंद दरवाजा को बनाया था अकबर की अगर बात करें तो अकबर का टेन कब चालू होता है अकबर का एक्चुअल में जो टेन चालू होता है वो वो चालू होता है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत से सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जहाँ पे अकबर की फोर्सेज वर्सेस ठीक है वर्सेस जो हेमचंद्र विक्रमा जिसको हम बोलते हैं हेम हेमू उसकी उनके बीच में लड़ाई हुई थी यहाँ पे से जो अकबर की फोर्सेस हैं जो कि लेड बाई बैरम खान थी जो कि संरक्षक था अकबर का वो उसने यहाँ पे जीत दर्ज करी थी और ये जो बैटल है 1556 में हुआ था और यहीं से एक्चुअल में अकबर ने अपना रूल स्टार्ट किया था और कब तक चला था ये आप कमेंट में बताएंगे अकबर ने किसका एडमिनिस्ट्रेशन एक तरह से कॉपी किया था शाहजहाँ का कॉपी किया था शाहजहाँ वही है जिसने इस इनके अकबर जी के पप्पा जान को दो बार हराया था एक तो बैटल ऑफ चौसा फिफ्टीन और एक बार बैटल ऑफ कन्नौज फिफ्टीन में दो बार हराया था और शाहजहाँ की सॉरी शाहजहाँ बोल रहा हूँ शेर सूरी ठीक है यहाँ पे शाहजहां लिखा हुआ मुझे लगा शेर शाह सूरी लिखा हुआ है शेर शाह सूरी शेर शाह सूरी की अगर बात करें तो इसकी दरगाह एक तरह से कहाँ पे बनी हुई है दरगाह से मेरा मतलब इसका जो समाधि स्थल है वो कहाँ है सासाराम बिहार में है ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड व्हाट इज द अप्रॉक्सिमेट लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया एज पर 2011 सेंसस 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुमानित साक्षरता दर कितनी है तो आंसर यहाँ पर कितना होगा सेवेंटी अच्छा ये बताइए जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो रहा था यानी कि वॉट वॉज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस ये आपसे आपको बताना है और यहाँ पर अगर बात करें मेल लिटरेसी रेट कितने फीमेल लिटरेसी रेट ये बताइए हाइस्ट किसकी है लोवेस्ट किसकी है स्टेट किस भी बताइए और यू टी भी बताइए तो अगर इंडिपेंडेंस के टाइम की अगर बात करें तो इंडिया की जो लिटरेसी रेट थी दैट वॉज ट्वेल्व परसेंट लोवेस्ट की अगर बात करें तो किसकी है बिहार की है ये स्टेट के टर्म्स में और अगर यूटी के टर्म्स में अगर बात करें आंसर विल भी दादरा नगर एंड हवेली हाइस्ट की अगर बात करें केरला नाइन्टी फोर परसेंट और बिहार की आपको पता है सिक्सटी फोर परसेंट के समथिंग है ठीक है और अगर बात करें हाइएस्ट की तो सबसे ज्यादा किसकी है यूटी के टर्म में दैट इज योर लक्षदीप ठीक है लक्षदीप की हाईएस्ट लिटरेसी रेट है और फीमेल और मेल की अगर लिटरेसी रेट की अगर बात करें किसका क्या डाउट है वो मैं आपको बताऊंगा ठीक है बाकी मैंने जो करंट अफेयर्स हैं वो शेयर कर दिए आपके टेलीग्राम पे जिन लोगों ने चेकआउट नहीं किया अभी दोपहर में मैंने शेयर किए हैं तो बहुत ज़्यादा कोई करंट अफेयर नहीं है बीस आपको करंट अफेयर्स में देखने को मिलेंगे ठीक है और उनको एक बार कर लीजिएगा बिकॉज जो हम लोगों ने करंट अफेयर का सेशन किया था उसमें वो करंट अफेयर नहीं है इसलिए उनको मैंने अभी जो एम की आंसर की है आई है उससे निकाल के मैंने कराया बाकी तो ज़्यादातर तो थे ही उसमें मैंने देखे थे जो हम लोगों ने किए थे ठीक है हाँ तो यहाँ पे मेल लिटरेसी रोड और फीमेल लिटरेसी रेट तो अगर मेल की अगर बात करें तो रफली 81% वन परसेंट है फिर टू बी वेरी प्रोसाइड एट्टी पॉइंट नाइन परसेंट और फीमेल की अगर बात करें तो द आंसर विल भी सिक्सटी फोर पॉइंट सिक्स परसेंट यह फीमेल लिटरेसी रेट है लिटरेसी अगर बात करें सबसे ज़्यादा लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है इंडिया में तो दैट इज़ अ इन मिज़ोरम केरल की के अगर बात केरल के बाद अगर, अगर बात करें जिसकी लिटरेसी रेट नाइन्टी फोर परसेंट है लक्षदीप की हाइस्ट लिटरेसी रेट है नाइन्टी थ्री पॉइंट एट फाइव परसेंट समथिंग ठीक है उसके बाद मिजोरम की है ठीक है तो अगर सेकेंड मतलब से स्टेट विद दी सेकेंड हाइस्ट लिटरेसी रेट पूछेगा आंसर मिजोरम होगा और मिजोरम की डिस्ट्रिक्ट है सैरछेप जिसकी की लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है और मध्य प्रदेश की अलीराजपुर जिसकी की लिटरेसी रेट सबसे कम है लोवेस्ट है वो ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर्थ द फंडामेंटल राइट्स फर्स्ट केम मन टू बींग इन दी मैगनाकाटा इन मौलिक अधिकार सबसे पहले मैग्ना काटा में अस्तित्व में है किसके मैग्ना मैगनाकाटा में अमेरिका इंग्लैंड साउथ अफ्रीका या फिर रशिया तो ये सबसे पहले मैग्ना कार्टा इशू किया गया था इंग्लैंड के जो कुछ रिच बिजनेस क्लास के लोग थे उनको कुछ राइट्स प्रोवाइड किए गए थे एक डॉक्यूमेंट में जिसको बोला गया था मैग्ना कार्टा भले हमने जो मौलिक अधिकार लिए हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं ठीक है बट सबसे पहले अगर मौलिक अधिकारों की अगर बात करें अस्तित्व में कब आए थे तो मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लैंड ठीक है मैग्ना कार्टा इंग्लैंड में सबसे पहला था वहाँ से अस्तित्व में आए थे ठीक है और एक चीज़ कि किसने रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट दिया है रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट देने वाला कौन है उसका नाम बताइए अभी एम टी एस के ही क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछा गया आपका एंड दैट वॉज ए वी डाई ठीक है मैं आपको पहले ही बता चुका है वी डाइसी साउथ अफ्रीका से अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का प्रोसीजर लिया आर्टिकल नंबर थ्री सिक्सटी एट याद आना चाहिए कॉन्टीट्यूशन अमेंडमेंट बिल की अगर बात करें तो ये इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में आ सकता है स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं आ सकता है ठीक है और इसका पूरा प्रोसीजर आर्टिकल 368 में दिया हुआ है इसको लाने के लिए प्रेसिडेंट की प्राई रिकमेंडेशन की जरूरत तो नहीं होती है प्रेसिडेंट को यहाँ पे अपना वीटो पावर यूज करने का पावर नहीं होता है ही शुड गिव इज असेंट ये ट्वेंटी अमेंडमेंट ने बोला था और यहाँ पे कोई भी ज्वाइंट सेटिंग पॉसिबल नहीं है और यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल क्योंकि जॉइंट सिटिंग पॉसिबल ही नहीं है तो फिर आपको पता है कि जो 368 में दो तरह के बिल होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक तो जो स्पेशल मेजारिटी से पास करने होते हैं और दूसरे स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन फ्रॉम एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट यूएसएसआर से अगर कर बात करें रशिया से हमने लिए हैं फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य और लिए हैं यहाँ से जस्टिस के प्रिंसिपल्स जो हमारे प्रीएम्बल में जस्टिस कितने तरह का है तीन तरह का सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल ठीक है और लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है और हाँ यूके से मतलब ठीक है हमने यूएसए से फंडामेंटल राइट्स लिए हैं तो यूएसए से हमने और क्या क्या, क्या लिया हुआ इम्पीचमेंट ले रखा है हम लोगों ने रिमूवल ऑफ जजेस ले रखा है हम लोगों ने और क्या ले रखा है ये ठीक है राइट्स हो गए हाँ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी हो गई और जुडिशियल रिव्यू ये हम लोगों ने यूएसए से लिया और यूके से सिंगल सिटीजनशिप लिया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है बाई कैमडलिजम लिया है और प्रेगेटिव रेट्स ली हम लोगों ने फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है अ टाइप ऑफ लोन दैट अलाउज बोरोवर्स टू मेक लो पेमेंट्स इन द इनिशियल फेजेस बट रीपेमेंट ऑफ द बैलेंस अमाउंट इन लमसम एट इज नोन एज यानी शुरू में तो आप कम पेमेंट कर दो चलेगा लेकिन धीरे 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 वो एग्रीगेट होता रहेगा और बाद में आपको लमसम पेमेंट करना होगा इकट्ठा पेमेंट करना होगा दैट ऑस दैट दैट टाइप ऑफ मॉटगेज इज नोन एज बलून मॉटगेज एकदम से फुलता रहेगा फुलता रहेगा फुलता रहेगा फट जाएगा एकदम से समझ रहे हो थोड़ा सा फील लेने की कोशिश करो कि एकदम से आप पे बाहर पड़ता है लमसम अमाउंट पे करना पड़ता है दैट इज़ बलून मॉटगेज मॉट से मुझे याद आता है वॉट इज कोलेट्रल कोलेट्रल क्या चीज़ होती है बैंकिंग टर्म में अगर हम बात करें तो जल्दी से बताइए कॉमेंट में विच एम दॉ यूनिट ऑफ मेजरमेंट दैट डिस्क्राइब्स द रेट एट विच द यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग निम्नलिखित में से कौन माप की एक इकाई है जो उस दर का वर्णन करती है जिस पर ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है फैराडे कॉन्स्टेंट प्लैंक्स इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट या फिर हबल्स कॉन्स्टेंट यहाँ पे सही आंसर क्या होगा तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा देखो फैराडे का को कोई लेना देना नहीं है उनका लेना देना इलेक्ट्रिसिटी था से था ठीक है प्लैंक्स भी हम फिजिक्स से पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक भी फिजिक्स का ही कॉन्सेप्ट आंसर यहाँ पे हबल कॉन्स्टेंट होगा इनके नाम पे टेलीस्कोप भी आपको पता है हबल्स टेलीस्कोप हबल जी ने सबसे पहले ये बोला था कि किस तरह से हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है और जो हमारी गैलेक्सीज हैं वो किस तरह से दूर जा रही हैं हमारा जो सोलर सिस्टम है वो किस गैलेक्सी का पार्ट है ये आप कमेंट बताएंगे प्लस यहाँ पे आपको बाकी भी जो, जो जोग्रफीज थे उनके नाम याद आने चाहिए जैसे सबसे पहले लेमाइटर लेमाइटर ने ही एक्चुअली में इनको फादर ऑफ़ बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है जिसने कि ये बोला था कि किस तरह से बिग बैंग एक एक्सप्लोजन हुआ था और उस एक्सप्लोजन से हमारा यूनिवर्स क्रिएट हुआ ठीक है फिर यहाँ से आपको याद आना चाहिए इमानुअल कांत जो कि एक जर्मन फिलोसोफर थे इमानुअल कांत प्लस लापलेस जिन्होंने इनकी थ्योरी पे इमानुअल कांत की थ्योरी पे काम किया कांत लापलेस थ्योरी के नाम से जाना जाता है दैट थ्योरी गिव्स अबाउट दी ओरिजन ऑफ यूनिवर्स कि जो हमारा यूनिवर्स है या फिर सॉरी नॉट यूनिवर्स हमारा सोलर सिस्टम किस तरह तरह से हमारा जो सोलर सिस्टम है उसका एव ओरिजन हुआ और इसका ओरिजन इनके अकॉर्डिंग एक नेबुला था ठीक है नेबुला था गैसेस का और डस्ट पार्टिकल का गुबार था उस वो बहुत जोर से रोटेट किया जिसकी वजह से जो हमारी लाइटर गैसेस थी वो सेंटर पे आ गई और वहीं से हमारा सूरज बन गया बिकॉज हमें पता है जो हमारा सन है जो सूरज है वो हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ है सेवेंटी परसेंट उसमें हाइड्रोजन है तो जो लाइटर गैसेस है वो सेंटर पर आ गए तो सेंटर में हमारा सन है और बाकी हमारे प्लान्स का एट प्लान्स का फॉर्मेशन हुआ ठीक है और यहीं पे आपको याद आना चाहिए स्टेडी स्टेट थ्योरी जरा बताइए स्टेडी स्टेट थ्योरी किसने दी थी स्टेडी स्टेट थ्योरी ये थ्योरी ये बोलती है कि हमारा यूनिवर्स जो है कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड तो कर रहा है गैलेक्सीज दूर दूर जा रही हैं बट जो एवरेज डेंसिटी है वो मेन्टेंड है उस यूनिवर्स की और ये दी थी होल्स होल्स स्टेडी स्टेट थ्योरी इसको नाम से जानते हैं हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी ठीक है और जरा ये बताइए ब्राइटेस्ट ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है ब्राइटेस्ट स्टार बताइए जरा हमारे कॉन्स्टिलेशन जो है उसमें कौन सा है ये बताना है आपको और और क्या क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे तो मैंने आपको देखा हाँ कोलेट्रल कोलेट्रल है आप कोई चीज़ जब गिरवी ले रखते हो लोन लेने के लिए दैट इज कॉल्ड एज कोलेट्रल जल्दी से बताइए ब्राइटेस्ट स्टार इन ओरियन कॉन्स्टिलेशन ठीक है ओरियन कॉन्स्टिलेशन जो है ग्रुप ऑफ स्टार है उसमें सबसे ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है जल्दी से कॉमेंट करके बताइए और आपको पता है नियरेस्ट स्टार कौन सा है अर्थ से सन है सन के बाद अगर बात करें प्रॉक्सिमा सेंचुरी है ठीक अगला क्वेश्चन है ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्पफुल फॉर द ब्लॉसमिंग ऑफ कॉफी इनमें से कौन सा कॉफी के ब्लॉसमिंग के लिए काफी हेल्पफुल रहता है बर्दौली चीरा काल बैसाखी ब्लॉसम शार्स या फिर नॉर्थ वेस्टर्स रिगल सबका सही आंसर रिगल रिगल रिगल, रिगल सबका सही आंसर है ब्राइटेस्ट अगर शुभम मिश्रा बात करें वीनस वीनस जो आप बता रहे हैं दैट इज दी ब्राइटेस्ट प्लान अगर हम बात करें जो स्टार की तरह में दिखता है एंड दैट इज ब्राइटेस्ट सबसे ब्राइटेस्ट है सबसे आपका गर्म भी है हॉटेस्ट भी है इवनिंग इवनिंग स्टार है मॉर्निंग स्टार है और ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ के नाम से जानते हैं वीनस की कोई सैटेलाइट नहीं है वीनस हमारा ईस्ट ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है सारे प्लांट वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं आज हम लोगों ने कुछ मॉर्निंग वाली क्लास में ईस्ट वेस्ट वेस्ट ईस्ट पढ़ा था क्या कुछ रिकॉल करिए जल्दी से विजय द तो फॉलोइंग इज हेल्पफुल फॉर द ब्लॉसमिंग ऑफ कॉफी तो ये है हमारे क्या प्री मानसून शावर तो जब हम अभी मानसून पढ़ेंगे ठीक है कल तो हम लोग इंडिया एंड लोकेशन पढ़ेंगे फिर मतलब मॉर्निंग वाली क्लास में फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हिमालयाज और पूरा पेनसल प्लाटिव और उसके बाद आई थिंक हम लोग का मानसून स्टार्ट होगा ठीक है तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे मानसून से पहले जो शार्ट आते हैं उनको प्री मानसून शार्स बोलते हैं ठीक है थोड़ा सा ठंडक लेके आता है माहौल में और नॉर्थ वेस्टर्स इनको जान जाना जाता है जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट है वहाँ पे इन नॉर्थ वेस्टर्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं तो बरदौली चीरा और काल बैसाखी बरदौली चीरा बोले जाते हैं असम में या फिर जो बांग्लादेश है वहाँ पर ठीक है काल बैसाखी की अगर बात करें वेस्ट बंगाल में इनको काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है और ब्लॉसम शावर्स यहां पे सही आंसर होगा जो आपकी कॉफी की ब्लॉसमिंग में हेल्प करते हैं ऐसे साउथ इंडिया में आपके एक और होते हैं जिनको बोलते हैं मैंगो शावर्स ठीक है तो ये मैंगो की अर्ली राइपनिंग में हेल्प करते हैं और ये आपको देखने को मिलेंगे केरला में ब्लॉसम शावर्स देखने को मिलेंगे कहाँ पे कर्नाटका में कर्नाटका ही कॉफी का टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर है ठीक है अराबिका लिब्रिका रोबस्ता ये कॉफ़ी की वैराइटीज़ हैं ठीक है कॉफी बाउल ऑफ द वर्ल्ड किस कंट्री को बोलते हैं ये बताइए जो कि हमारा जो कि हमारा अगला ब्रिक्स होस्ट होगा अभी तो किसने किया था साउथ अफ्रीका ने किया था अगला वाला कौन सा कंट्री करेगा वही है केरला की अगर बात करें तो केरला आपका रबर में टॉप मोस्ट प्रोडक्शन में आता है एम टी एस दो हज़ार तेईस में अभी क्वेश्चन पूछा गया है रबर में टॉप मोस्ट में कौन है केरला है यह पूछा गया सेकंड नंबर पे कॉटन के प्रोडक्शन में कौन सा स्टेट है यह बताइए जल्दी से तो हमारा कॉफी बाउल ऑफ द वर्ल्ड जाना जाता है ब्राज़ील ठीक है ब्राज़ील में आपके जो ये शिफ्टिंग कल्टिवेशन है उसको किस नाम से जानते हैं ये बताइए जल्दी से और ब्राज़ील में हम लोग जो ग्रासलैंड्स हैं ग्रासलैंड्स हम लोगों ने कहाँ के पढ़े थे वेनेजुएला के पढ़े थे लानोस पंपास पढ़े थे कहाँ के पम पास पढ़े थे हम लोगों ने अर्जेंटीना के और ब्राज़ील के हैं आपके शिफ्टिंग कल्टिवेशन जाना जाता है रोका के नाम से हमें वहाँ पर रोक लिया गया था शिफ्टिंग कल्टिवेशन करने से ठीक है रोका के नाम से जाना जाता है वहाँ पर तो ये सारी चीज़ें हो गई और कॉटन में टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर अभी प्रेजेंट टाइम में गुजरात है और सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है ठीक है आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन तो नहीं पूछा था ये बता दिया था आपको अगला सवाल है इन डैश हाँ ये मैंने पूछा था कि आज मॉर्निंग वाली क्लास में मैंने कुछ ईस्ट वेस्ट वेस्ट ईस्ट पढ़ा है क्या पढ़ा बिल्कुल पढ़ा है हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ट्रॉपी जो साइक्लोन होते हैं या फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन ये बोल सकते हैं जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं बट जो टेम्परेट साइक्लोन होते हैं जिनको हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम से जानते हैं वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं क्यों क्योंकि ये ईस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में रहते हैं और ये वेस्टर्लीज की इन्फ्लुएंस में रहते हैं ठीक है एक सेकेंड रुकीगा सॉरी फॉर दी ब्रेक बारिश 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 ठीक 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 कृपया hmm. करके स्पैम ना करें है ना तो ये हम लोगों ने चीजें पढ़ी थी अगला क्वेश्चन है इन डैश अंबेडकर स्टार्टेड टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन विच हिज महर कास्ट फॉलोअर्स पार्टिसिपेटेड uh, तो यह महार कास्ट वाला कब मूवमेंट किया था अंबेडकर जी ने आपसे क्वेश्चन पूछा गया सही आंसर यहां पे क्या होगा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड नाइनटीन में इन्होंने इन्होंने किया था ऑप्शन नंबर सेकंड यहां पे सही आंसर होगा ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना कब करी थी यह बताइए और अम्बेडकर जी की दो बुक्स एक तो इनकी ऑटोबायोग्राफी और एक जो बुक इन्होंने कुछ अपने डेथ से कुछ दिन पहले ही जैसे कम्प्लीट करी थी अम्बेडकर जी पे बुक अम्बेडकर लाइफ किसने लिखी है ये बताइए ठीक है तो अम्बेडकर जी ने अगर बात करें तो वेटिंग फॉर अ वीज़ा इनकी ऑटोबायोग्राफी है बुद्धा एंड इस धम्मा इनकी बुक का नाम है जिन्होंने कुछ डेथ से कुछ दिन पहले फिनिश करी थी अम्बेडकर जी की अगर बात करें अ लाइफ ये शशि थरूर जी ने लिखी शशि थरूर की और बुक रिकॉल करिए द हिंदू वे द बैटल ऑफ बिलोंगिंग प्राइड प्रजेडस एंड पंडिट्री इंडिया फ्रॉम फ्रॉम मिड नाइट टू मिलेनियम लोगों की मतलब शशि थरूर की बुक्स है तो और अंबेडकर जी ने मूक नायक की यहां पर मूक नायक स्टार्ट किया था ठीक है मूक नायक स्टार्ट किया था और क्या याद आना चाहिए अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में साइन हुआ था पूना पैक्ट इन नाइनटीन थर्टी टू ये चीजें आपको याद आनी चाहिए इनसे और 1923 में क्या हुआ था ऑल इंडिया खिलाफत स्वराज पार्टी बनी थी सी आर दास मोतीलाल नेहरू सी आर दास पहले प्रेसिडेंट थे मोतीलाल नेहरू पहले इसके चीफ सेक्रेटरी बने थे नेहरू जी से याद आना चाहिए नेहरू रिपोर्ट के बारे में ये बताइए नेहरू रिपोर्ट कब दी गई थी और किसके अगेंस्ट में दी गई थी नाइनटीन में क्या हुआ था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन हुआ था सी फॉर्म हुई थी और कुछ हाँ आपकी काकोरी 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 ट्रेन रॉबरी हुई थी या फिर काकोरी इंसिडेंट हुआ था 1921 में कुछ हुआ था हाँ 1921 के टाइम पे जो मापीला रिवोल्ट है मालाबार रिवोल्ट है वो हुआ था एका रिवोल्ट हुआ था मापीला तो मालाबार केरला में हुआ था एका मूवमेंट की बात करें तो एका मूवमेंट हुआ था आपका ये अवध रीजन में अवध में हुआ था और इसको लीड किया था मदारी पासी मेरी राइटिंग गैस कैसी है जरा बताएंगे कॉमेंट करके नेहरू रिपोर्ट की अगर बात करें 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में दी थी एक्चुअल में ये नेहरू रिपोर्ट जो मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के जो पिता थे उनकी चेयरमैनशिप में दी दी गई थी नेहरू रिपोर्ट ठीक है एक्चुअल में बर्किन हेड करके उस समय सेक्रेटरी हुआ करता था सेक्रेटरी आप जानते हैं एट्टी कौन से जरा बताइए कौन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोजीशन क्रिएट की गई थी कली बिना को बताया था बताइए जल्दी से तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उस समय बर्किन हैड था ठीक है तो बर्किन हेड ने ये चैलेंज दिया कि अगर इतना ही है तो फिर बना लो इतना साइमन कमीशन रिपोर्ट का साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हो तो नेहरू सब लोगों ने कांग्रेस वाले ने बोला अभी भी दे, बना के देते हैं ठीक है थीके? तो नाइनटीन में नेहरू रिपोर्ट आई जिन्ना कैसे पीछे रहता जिन्ना ने अपने फोर्टीन जिन्ना पॉइंट फोर्टीन पॉइंट दे दिए जिनको बोलते हैं फोर्टीन जिन्नास पॉइंट ठीक है साइमन नाइनटीन में आया था सेवन मेंबर्स थे सारे के सारे आप पे अंग्रेज थे तो इसको वाइट कमीशन के नाम से जाना गया और 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 क्या पूछा था कुछ पूछा था यार मैं भूल गया फिर से एकदम नेहरू रिपोर्ट चलो याद आएगा तो बताएंगे फिर नाइन्थ नंबर विच इंडियन वाज अवार्डेड दी नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन द ईयर 1930 1930 में किसको नोबेल आ, पीस प्राइस सॉरी नोबेल प्राइज फिजिक्स में मिला ना कि पीस प्राइस तो सही आंसर क्या होगा यहां पे 1930 के बात हो रही है तो सबसे पहले तो हमारे इंडियन कौन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए मिला एंड ही वाज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू गेट द नोबेल प्राइज आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सेकंड सीवी रमन सीवी रमन जी ने जो है 1930 में इनको नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स के लिए रमन एफेट की इन्होंने खोज करी थी जरा बताइए कब करी थी जिसके उस उपलक्ष्य में हम लोग नेशनल साइंस डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं बात अगर करें यहाँ पे और कौन कौन से इंडियंस को मिला तो हरगोविंद खुराना जी को मिला मेडिसिन में ठीक है 1968 सिक्सटी एट मैंने बताया होगा फर्स्ट फीमेल और फर्स्ट वुमेन टू गेट दी नोबेल प्राइज़ इन इंडिया इज़ मदर टेरेसा 1979 में मिला था इनको पीस के लिए देन एस चंद्रशेखर जी को मिला चंद्रशेखर लिमिट बताने के लिए 1983 एटी थ्री में देन हमारे अमोत सेन जी को मिला अमत सेन पहले हमारे इकोनॉमिस्ट थे हम लोग कर चुके हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला इन द ईयर इन द ईयर 1998 ठीक है और दूसरे हमारे इकोनॉमिस्ट कौन है 2019 में अभिजीत बनर्जी और उनकी वाइफ ईस्थर डूफलो शी इज नॉट द इंडियन बट अभिजीत बनर्जी हैं तो उनकी बुक है गुड इकोनॉमिक्स फॉर द बैड टाइम्स इसके लिए इनको नोबेल नहीं मिला नोबेल तो इनको पोवर्टी को लेकर जो इन्होंने काम किया उसको लेके मिला ठीक है और और हमारे किसको मिला था ईयर 2014 में कैलाश सत्यार्थी जी को मिला था जिन्होंने ये मलाला यूसुफ जई के साथ शेयर किया था ये भी पीस के लिए मिला था ठीक है आगे बढ़ें अगला क्वेश्चन देखें और रमन इफेक्ट और मैंने क्या कुछ क्वेश्चन पूछा था ना यहाँ पे अच्छा ये बताइए कि यार मैं पूछ के भूल जाता हु, क्या क्वेश्चन पूछा था ओके ये पूछा था रमन इफेक्ट सा, नेशनल साइंस डे कब मनाते हैं ये पूछा था मैंने ट्वेंटी एट फेब को मनाते हैं ठीक है थीके? अच्छा सेकंड फेब को क्या मनाते हैं हिंट देता हूं आपको अमृत धरोहर विचो द तो फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग देशन करेंट इज करेक्ट महासागरी धाराओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आज ही के हम लोगों ने लेक्चर में किया है इसको मॉर्निंग वाले लेक्चर में ओशन करंट। तो हमने आज के लेक्चर में क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी ओशन करंट में कि जो महासागरी धाराएँ होती हैं ये क्यों चलती हैं कौन वॉम है कौन कोल्ड है और और हमने क्या पढ़ा था कि इसके इफेक्ट्स क्या हैं ठीक है तो लैब्राडोर करंट उसमें वार्म करंट था क्या बिल्कुल नहीं बिकॉज याद करिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी क्या ट्रिक बताई थी जरा कमेंट में लिखेंगे जल्दी से तो लैब्राडोर आपका वार्म करंट नहीं होगा ये तो कोल्ड करंट होगा जो गर्ल स्ट्रीम से मिलता है जो कि आपका एक वार्म ओशन करेंट है और वहाँ पर जहाँ पे वार्म ओशन करेंट और कोल्ड ओशन करंट मिलते हैं वहाँ पर बेस्ट फिशिंग जोन क्रिएट होते हैं द एरियाज वेर दी वार्म एंड कोल्ड मेड प्रोवाइड बेस्ट फिशिंग ग्राउंड ये बिल्कुल सही बात हो जाएगी जैसे लैब्राडोर गल्फ स्ट्रीम से मिलता है कहां पे मिलता है न्यू फाउंडलैंड कैनेडा में मिलता है तो बेस्ट फिशिंग जोन और वर्स्ट हार्बरिंग साइट्स होती हैं द कोल्ड ओशन करंट मूव फ्रॉम दी इक्वेटर वार्म ओशन मूव इक्वेटर टूवर्ड्स दी पोल तो ये दोनों अगर हम देखें तो सिमिलर टाइप के और एक क्वेश्चन के दो आंसर तो हो नहीं सकते हैं तो दोनों को आप एलिमिनेट कर सकते थे और ट्रिक मैंने आपको क्या बताई थी ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि बीपी एक कंपनी है जिसने कि गोल्फ का गोल्फ का वर्ल्ड कप करवाया कैलिफोर्निया में इस तरह से याद किया था ठीक है तो यहाँ से हम लोगों ने याद किया था बेंगोला पेरू करेंट और गोल्फ से हम लोगों ने क्या किया था जी से याद किया था एक तो ग्रीन लैंड वाला ओ से ओ एल से लैब्राडोर एफ से फाकलैंड डब्ल्यू से वेस्ट ऑस्ट्रेलियन ड्रिफ्ट सी से कैनरी करेंट और कैलिफोर्निया से कैलिफोर्निया करेंट इसको छोड़ के जितने भी हैं जैसे यानी कि हमारा गर्ल्स टीम हो गया ये गर्ल्स टीम नहीं है ये ये आपका ग्रीन लैंड वाला ठीक है गर्ल्स टीम हो गया अगुल हास हो गया और uh, क्यूरोशियो हो गया अलास्का हो गया ये सारे हमारे वॉम ओशन करंट हैं ठीक है थीके? और एक इफेक्ट क्या हम लोगों ने पढ़ा था कि वेस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट में डेजर्ट देखने को मिलता है और उसका रीज़न क्या है क्योंकि वेस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट में ही हमें ट्रॉपिक्स में देखने को मिलते हैं ठंडे वाले करंट ठंडे वाले करंट हवा को ठंडा कर देते हैं और ठंडी हवा की मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है इस वजह से जितने ज़्यादातर हमें डेजर्ट जैसे कि यहाँ पे अफ्रीका कालाहारी नामी नामीब डेजर्ट नामीब डेजर्ट डेजर्ट है एक और कारण की वजह से जिसका नाम सी से स्टार्ट होता है कॉमेंट बताइए तो कालाहारी डेजर्ट हो गया ये ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है जहाँ पे हमें गिप्सन डेजर्ट वगैरह देखने को मिलेंगे वर्ल्ड का ड्राइएस्ट डेजर्ट एटकामा डेजर्ट ठीक है और नॉर्थ अमेरिका में मोजावे और सोनर सोनोरन डेजर्ट ठीक है तो ये एक फैक्टर होता है कॉन्टीनेंटेलिटी फैक्टर कि आप कॉन्टिनेंट के जितना अंदर रहोगे ना उतना ही नुकसान में रहोगे उतना ही डेजर्ट होगा वहाँ पे ठीक है अगर शोर के पास रहोगे यानी कि आप कोस्टल इलाकों में रहोगे तो सी का थोड़ा मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस आपको मिलता रहेगा और ऐसे इलाकों में मुझे बताइए एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर और एनुअल रेंज ऑफ रेनफॉल ज़्यादा होती है कि कम होती है जहाँ जो बहुत इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट्स में होते हैं बताइए जल्दी से विच एम दी फॉलोइंग इज अ डेटा बेस सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा एक डेटा बेस सॉफ्टवेयर है एम एस पावर पॉइंट एम वर्ड डी या फिर वर्ड वर्ड uh, पहली बात तो इसका मैं आपको आंसर बताता हूँ इसका सही आंसर क्या होगा इसका या मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था हाँ एनुअल रेंज आपका ज़्यादा होगा ठीक है यहाँ पे आपका एनुअल रेंज मैक्सिमम होगा ठीक है क्लियर सबने सही आंसर दिया सबका सही आंसर है चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या था ये क्वेश्चन कंप्यूटर और कंप्यूटर आप पूछेंगे सर कंप्यूटर कब से चालू होगा मैं बोलूँगा जल्दी चालू होगा और चालू होगा ठीक है तब तक आप बाकी जगह से जहाँ से जो सीजियल मेस वाले हैं वो कर सकते हैं ठीक है विच अमंग फॉलोइंग इज अ डेटा बेस्ड सॉफ्टवेयर तो डेटा बेस्ड सॉफ्टवेयर कौन सा है तो यहाँ पे सही आंसर होगा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ डेटा बेड सॉफ्टवेयर के जैसे एग्जाम्पल हो गए जैसे आपका माई एस क्यू हो गया ठीक है आपका माइक्रोसॉफ्ट एस क्यू हो गया सर्वर हो गया ये सब आपके एग्जाम्पल्स होते हैं किसके जो डेटा बेस सॉफ्टवेयर होता है यहाँ पे डी बेस कोई एक आपका डेटा बेस सॉफ्टवेयर नहीं होगा एम एस पार पॉइंट एम एस वर्ड वर्ड पैड यह सब आपके डाटा बेस सॉफ्टवेयर है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ आर्टिकल 143 फोर्टी थ्री ऑफ इंडियन कॉन्स्ट्यूशन रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग भारतीय संविधान का अनुच्छेद सौ निम्नलिखित में से किस से संबंधित है सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स की बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट कौन से पार्ट में पार्ट नंबर फाइव में है कौन से चैप्टर में है पार्ट फाइव के तो पार्ट वन याद करिए एग्जीक्यूटिव पार्ट टू टू पार्लियामेंट चैप्टर थ्री ऑर्डिनेसप्टर फोर सुप्रीम कोर्ट तो चैप्टर फोर में आर्टिकल वन ट्वेंटी फोर से लेकर आर्टिकल नंबर फोर्टी सेवन तक में इसके बारे में दिया हुआ सुप्रीम कोर्ट के बारे में ठीक है क्लियर तो यहाँ पे वन फोर्टी थ्री की बात हो रही है एडवाइजरी जो रिजेक्शन है हमारा बहुत आसान सा क्वेश्चन है एक ठीक है चलो तो यहाँ पे एडवाइजरी जो होगा आर्टिकल 143 और एडवाइजरी जो कौन लेता है एडवाइज़ हमारा प्रेसिडेंट लेता है किससे सुप्रीम कोर्ट से ठीक है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू एन लार्ज नो 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 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट ऑप्शन नंबर सेकंड बाकी जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पर जो की बात हो रही ना तो जल्दी से बताइए ओरिजिनल जो एपलेट और ये बताइए जल्दी से और बाकी हमें पता है कि आर्टिकल नंबर 124 से लेकर चलो पूरे रिवाइज़ कर लेते हैं 124, 125, 126, 127, 128 में क्या 129 में क्या 130 में क्या 131 में क्या 132, 133 तो इसको मैंने आपको एक ट्रिक बताई होगी पक्का जब मैंने आपको पढ़ाया होगा कि सुप्रीम कोर्ट को इस तरह से याद करिए कि सुप्रीम कोर्ट को सार्क कंट्रीज़ में एक सीट ऑफर कर दी गई सार्क कंट्रीज़ में एक सीट ऑफर कर दी गई सार्क कंट्रीज़ में एक सीट ऑफर कर दी गई ठीक है सार्क में सीट ऑफर कर दी गई ठीक है इस तरह से याद करना तो सुप्रीम कोर्ट के स्टैब्बलिशमेंट की बात करता है आर्टिकल 124 सैलरीज के बारे में आर्टिकल 125 में लिखा हुआ है एक्टिंग चीफ जस्टिस 126 127 बात करता है एडहॉक जजेस की 128 बात करता है रिटायरिंग जजेस की 129 बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड यानी उसने कोई भी अगर डिग्री ऑर्डर पास किया है तो उसको एक ऑर्डर उसको एक रिकॉर्ड की तरह मेंटेन किया जाएगा फॉर फर्दर इन्फोरेंस 130 थर्टी इट डिक्लेयर्स अ डेली एज सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट और मुझे ये बताइए कि अगर किसी और प्लेस को किसी और जगह को एज अ सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करना है तो वो पावर किसके पास होती है वन ऑफर ओ से यहाँ पे हो जाएगा ओरिजिनल जुरिजेशन तो ये आर्टिकल वन में आता है

क्लियर है और अगर बात करें तो इससे आपको याद आना चाहिए जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है फर्स्ट जजेस केस एंड सेकेंड जजेस केस ये भी आपके इसी से रिलेटेड है और यहीं से कहीं ना कहीं कॉलेजियम सिस्टम का निर्माण होता है कॉलेजियम सिस्टम कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड नहीं है इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन आर्टिकल सेवेंटी टू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद द पावर ऑफ द डैश टू ग्रांट पार्डस एक्सेप्ट टू सस्पेंड रिमिट और कम्यूट सेंटेंस इन सर्टन केसेस वेरी इजी क्वेश्चन सेवेंटी टू के पार्टनिंग पावर बात करते हैं प्रेसिडेंट की ऑप्शन नंबर थर्ड गवर्नर वन सिक्सटी वन अंतर क्या होता है कि गवर्नर कैन नॉट पार्डन द डेथ सेंटेंस डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकता प्लस जो कोर्ट मार्शल से अगर कुछ मिला है सजा तो उसमें भी पार्टनिंग पावर का यूज नहीं कर सकता है सिमिलरली हमारे दोनों के पास ऐसे होता है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर वन ट्वेंटी थ्री प्रेसिडेंट एंड

जुडिशियल लेजिसटिव ये सारी पावर है जैसे आपका ये जो पावर है ना 72 के तहत ये जुडिशियल पावर में आता है 171 और 72 ऐसे 123 ट्वेंटी थ्री और टू जो है ना आपके ये दोनों के लेजिलेटिव पावर में आता है प्रेसिडेंट के पास एक पावर होती है जो गवर्नर के पास नहीं होती है कि बता सकते हो पावर कौन सी होती है जिन लोगों लो, जिन लोगों ने निटो लेक्चर लिया होगा पिछला वाला वो लोग ये बता पाएंगे शायद क्योंकि वहाँ पे मैंने हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रेसिडेंट के पास यहाँ पे होती हैं कौन सी पावर ये होती हैं कि जो प्रेसिडेंट होता है सुप्रीम कमांडर होता है तीनों डिफेंस फोर्सेस का तो डिप्लोमेटिक पावर होती है एक तरह से सुप्रीम कमांडर होता है तीनों डिफेंस फोर्सेस का बट गवर्नर इस तरह से इसको ये पावर नहीं मिली हुई है ठीक अगले क्वेश्चन पे आते हैं फोटीन वेन डिड इंडिगो रिवोल्ट पेजेंट मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया तो इंडिगो रिवोल्ट नील विद्रोह कब स्टार्ट हुआ था अठारह सौ सत्तावन यहाँ पे तो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था एटीन सिक्सटीन में तो हमारा एक इंडियन काउंसिल्स एक्ट आया था इस इंडियन काउंसिल्स एक्ट ने क्या क्या किया था कोई बताएगा रिकॉल करिए क्या क्या किया था आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो गया एट्टीन फिफ्टी नाइन दीन बंधु मित्रा ने दीन बंधु मित्रा ने अपना एक प्ले था जिसका नाम था नील दर्पण वो इसी पे ही बेस्ड था इंडिगो रिवोल्ट पे, नील दर्पण और हरीश चंद्र मुखर्जी ने हरीश चंद्र मुखर्जी ने एक वो लिखा था न्यूज़पेपर पब्लिश किया था और उसका नाम क्या था जिसमें उन्होंने इसके बारे में मेंशन किया था बात अगर करें इंडियन काउंसिल एक्ट की तो इससे आपको याद आना चाहिए कि 1861 से एक जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है ठीक है या फिर नॉट ऑर्डिनेंस रेजिडरी जो पावर है रेजिड पावर आप जानते हैं रेजिडरी पावर जैसे कि अगर हम प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें तो हमारे सेवन शेड्यूल में तीन लिस्ट हैं यूनियन स्टेट कॉन्करेंट अगर मान लेते हैं कोई कोई ऐसा मैटर आ गया जो किसी भी लिस्ट में मैंशन नहीं है तो उसको हम रेजिडुरी लिस्ट में बोलते हैं और उसमें लॉ बनाने का जो पावर होता है कानून बनाने की जो शक्ति होती है वो सेंटर के पास होती है तो उस समय रेजिडरी जो पावर थे वो वाइस रॉय के पास थे किसके पास दिए थे वाइस रॉय यहीं से पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्ट होता है क्या पोर्टफोलियो सिस्टम एक स्टार्ट होता है और यहीं से ही एक तरह से डिसेंट्रलाइजेशन विकेंद्रीयकरण स्टार्ट होता है डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होता है हमारा जहाँ पे जो हमारे हो क्या रहा था अभी तक बंगाल 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 सब हो रहा था गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना रहे थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना रहे थे यानी जो बंगाल था उसको एकदम ही पावर पे पावर दिए चढ़ाए चले जा रहे थे

जोंखाई थिंग इसको प्रोनाउंस करते हैं ठीक है अफ़गानिस्तान की क्या है ठीक है अफ़गानिस्तान की लैंग्वेज बताइए मालदीव्स की लैंग्वेज बताइए और और किसकी बताइए और आप बताइए चलो इन्हीं दोनों की बताइए ठीक है तो अगर बात करें अफ़गानिस्तान की तो होगी क्या पश्तो पश्तो होगी या फिर डारी होगी ध्यान रखना ठीक है या तो पश्तो या डारी ठीक है मालदीव की अगर बात करें धी ही ठीक है कौन सा डिग्री चैनल है जो मालदीव को लक्षद्वीप से सेपरेट करता है मालदीव को लक्षद्वीप से सेपरेट करने वाला कौन सा डिग्री चैनल है हमारा एट डिग्री चैनल यहां पे सही आंसर हो जाएगा नाइन डिग्री चैनल क्या है नाइन डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनी आइलैंड से सेपरेट करता है ठीक है और नगल ट्रम तो यहाँ की करेंसी है ठीक है और चाइना की आपके पता है चाइना की क्या है चाइना की आपकी मैंडरिन है और श्रीलंका की सिन्हलीज है और इसराइल के क्या जरा बताइए इसराइल की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है तो इजराइल की जो ऑफिशियल लैंग्वेज उसका नाम एच से स्टार्ट होता है एंड दैट इज हिब्रू यहाँ की करेंसी का सॉरी यहाँ की लैंग्वेज का नाम है इसराइल की अगला क्वेश्चन है और यहाँ की पार्लियामेंट का क्या नाम है पार्लियामेंट का पार्लियामेंट का नाम है नेसेट ठीक है जापान की पार्लियामेंट का क्या नाम है डाइट अफगानिस्तान की क्या है शोरा ठीक है और रशिया की पार्लियामेंट का क्या नाम है ड्यूमा ठीक वॉट इज द जोन बिटवीन द आर्टिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल कॉल्ड आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है टॉयरिट जोन बिल्कुल नहीं तो आज हम लोगों ने पढ़ा है ये कौन सा जोन होता है जरा बताइए जल्दी से ये कौन सा जोन होता है जहाँ पे हमारी ईस्टर्लीज मिलती हैं उस जोन को क्या बोलते हैं बताइए जरा तो ये वाला जोन होता है हमारा ट्रॉपिक्स के जो बीच में होता है ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ़ कैप्रिकॉन के बीच में टॉयिट जोन बोलते हैं ऊष्ट कटिबंधीय है, इसको क्षेत्र बोलते हैं बिकॉज यहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है रिलेटिवली और इसके ऊपर आर्टिक सर्कल तक यानी सिक्सटी सिक्स एंड हाफ डिग्री नॉर्थ तक और अंटार्कटिक सर्कल सिक्सटी सिक्स एंड हाफ डिग्री साउथ तक टेम्परेट जोन आता है ठीक है इसको बोलते हैं नॉर्थ टेम्परेट इसको बोलते हैं साउथ टेम्परेट आंसर यहाँ पे फ्रिजिट जोन होगा ये जो है आपका आर्टिक सर्कल से लेकर नॉर्थ पोल और ये अंटार्टिक सर्कल से लेकर साउथ पोल इसको फ्रिजिट जोन बोलते हैं ठीक है थीके? और यहाँ पे आपका एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है जिसकी चर्चा आज मैंने मॉर्निंग वाले लेक्चर में करी थी तो जहां पर आपकी मिलती उनको बोलते हैं आई टी सी एड इंटर ट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जो जहां पर हमारी नॉर्थ ईस्टर्लीज और साउथ ईस्टर्लीज मिलती हैं ऐसे ही थर्टी डिग्री नॉर्थ और थर्टी डिग्री साउथ तो हमें देखने को मिलते हैं हॉर्स लैटीट्यूड अश्व अक्षांश और अगर हम बात करें तो यहाँ पे पोल्स के पास हमें जो क्लाइमेट देखने को मिलता है उसको बोलते हैं टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट बहुत परमानेंट आप ये समझ लो बर्फ जमी रहती है टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट में सर टिम बर्नस ली अ ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट इन्वेंटेड दी रेवोल्यूशनरी वर्ल्ड वाइड वेब इन विच ईयर तो इन्होंने उसी ईयर इन्वेंट की करी थी जिस साल हमारा सिक्सटी फर्स्ट अमेन्डमेंट हुआ था उसे जस्ट एक साल बाद और ये हो जाएगा आपका आंसर क्या 1990 बिकॉज हमारा सिक्सटी फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था 1988 में लागू हुआ था 1989 में और उसी के अगले साल 1990 में हमारे टिम्बरनस लीड जी ने वर्ल्ड वाइड वेब की खोज कर दी थी क्यों क्योंकि वो एकदम प्रभावित हो गए थे कि कैसे इक्कीस से अठारह साल उम्र हो सकती इतने खुश हो गए उन्होंने डब्ल्यू 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 कन्वेंशन कर दिया ठीक है काफी सीरियस स्टोरी है एटीन हाउ देर इन द इंडियन लिटरेचर ऑफ क्लासिकल हिंदुइज्म। शास्त्रीय हिंदू धर्म के भारतीय साहित्य के कितने वेद हैं तीन चार एक या फिर दो कितने वेद हैं तो वेद हैं टोटल तीन कौन कौन से ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद और अथर्वेद तो आंसर क्या हुआ आंसर हुआ फोर ठीक है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही आंसर होगा रिग वेद अगर बात करें ओल्डेस्ट वेद है सबसे पुराना वेद है सबसे पहले कंपाइल किया गया था और इसमें आपकी कितनी हाइम्स देखने को मिलती है तो 1028 जीरो हाइम्स आपको देखने को मिलती है इसमें और 10 मंडल हैं कौन से मंडल में गायत्री मंत्र है थर्ड मंडल में गायत्री मंत्र है नाइन्थ मंडल में सोम भगवान के बारे में सामवेद म्यूजिक के बारे में बात करता है संगीत के बारे में दीज आर टू बी हर्ड एंड नॉट टू बेड यजुर्वेद दो पार्ट में डिवाइडेड है शुक्ला यजुर्वेद और कृष्णा यजुर्वेद इसमें प्रेयर्स वगैरह दिए अथर्वेद में आपके जो मैजिकल मैजिक स्पेल्स चाम्स वगैरह दिए हैं अथर्वेद में ठीक है और मुझे जल्दी से बताइए कि जो मुंड का उपनिषद है जहाँ से हमने इस सत्य में वो जैते लिया है वो किसका पार्ट है मुंड का उपनिषद तो मुंड का उपनिषद और जो हमारा वशुधैव कुटुम्बकम है होल वर्ल्ड इज अ वन फैमिली जी ट्वेंटी की इस बार थीम थी वो हमने कहाँ से ली तो मुंडका उपनिषद की अगर बात करें तो ये हमारा अथर्व वेद का हिस्सा है ध्यान रखिएगा मुंड का उपनिषद जहाँ से सत्य में जयते लिया है ट्रूथ ओनली प्रिवेल्स और जो हमारा वशुदेव कुटम्बकम है वो हमने महा उपनिषद से लिया है क्लियर है और और कुछ नाइनटीन है और एक चीज़ चलो तो जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब तो सारी चीज़ें देखेंगे कि जो हमारा अर्ली वैदिक और ले, लेटर वैदिक दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं वैदिक पीरियड को अर्ली वैदिक में काउज को एकदम सुप्रीम माना गया था और काऊ को ही मेन किस जिसके पास ज़्यादा काउज़ होती थी उसी को ही रिच माना जाता था ठीक है नाइनटीन नंबर है वॉट इज दैक्स रेशियो ऑफ इंडिया एज पर दो का सेंसस इंडिया का सेक्स रेशियो कितना है तो आंसर क्या होगा आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सेकंड 943. 2001 में कितना था सेक्स रेशो सेक्स रेशो होता क्या है कि हजार फीमेल के लिए कितनी मेल है ध्यान रखिए हजार फीमेल के लिए कितने मेल है दैट इज कॉल्ड ए सेक्स रेशो दो के अकॉर्डिंग नाइन था अभी बढ़ गया है चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या होता है चाइल्ड होता है कि जीरो टू सिक्स ईयर्स के जो बच्चे हैं उनमें सेक्स रेशियो क्या है उनमें लिंग अनुपात क्या है तो अगर 2001 की बात करें तो ये थोड़ा सा सही होता था 927 होता था बट अभी अगर बात करें 2011 में 919 है 919 और अगर 914 आ जाता है तो ये भी सही आंसर होगा बिकॉज सीजियल दो में नाइन माना तो सीजल दो में नाइन माना इसने ठीक है तो देख लीजिएगा थोड़ा सा और हाईएस्ट अगर बात करें आप जानते हैं केरला का है कितना है 1084 है लोएस्ट अगर बात करें बिहार का सॉरी हरियाणा का है हरियाणा का 879 है ठीक है 879 केरला का कितना है 1084 है और यूटी टी की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा पुडुचेरी का है 1038 और लोएस्ट अगर बात करें दमन और दीव का है सिक्स ठीक अगले क्वेश्चन पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमानेंट इवेंट आज ही क्या नेम लेखित तो में से कौन सी स्थाई पवन नहीं है ठीक है तो आज हमने देखा था पवन क्यों चलती है पवन तो पवन क्यों चलती है पवन चलती है जब प्रेशर डिफरेंस होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर वो घूमती क्यों है कौन सा फोर्स है जिसकी वजह से घूम जाती है दो तरह की विंड होती है परमानेंटली जो थ्राउट द ईयर ब्लो करती हैं पूरे ग्लोब को कवर करती हैं एंड दीज आर ऑल्सो नोन एज ट्रेड विंड इसमें आती है हमारी ईस्टर्लीज एंड वेस्टर्लीज इंडीज़ जहाँ पर ये स्टडीज़ मिलती हैं दोनों तरह की वो आई टी सी एट जोन होता है अभी देख के हैं वेस्ट ये आपकी वो है ट्रेड विंड के टाइप ही हैं ईस्टर्लीज और वेस्टर्लीज आंसर यहाँ पर लू होगा लू आपकी एक लोकल विंडे बिकॉज इंडिया में ब्लो होती है और लू किसकी वजह से जनरेट होती है एक प्रोसेस बताया था कल वाले लेक्चर में अगर आपको याद हो कल जो मॉर्निंग वाला लेक्चर उसमें फोर्स होता है आपका कॉरेलिस फोर्स कॉरेस्ट फोर्स क्या करता है नदर हेमस्वियर में चीजों को राइट right की ओर डिफ्लेक्ट करता है सदर हेमेस्वेर में चीज़ों को लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट करता है कॉरेलिस फोर्स जीरो होता है इक्वेटर में कॉरेस फोर्स मैक्सिमम होता है पोल्स पे और अगर बात करें लू इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ एडवेक्शन प्रोसेस एडवेक्शन क्या होता है जहाँ पे हरिजॉन्टल ट्रांसफर होता है हीट का ठीक है जो हमारा अर्थ सरफेस होता है ये इंसोलेशन आता है और इससे जो रिफ्लेक्ट होता है रेडिएशन कहलाता है यहाँ पे जो एकदम कॉन्टैक्ट में होती है अर्थ सरफेस से जो एयर होती है वो कंडक्शन की वजह से हीटअप होती है जो ऊपर की लेयर्स होती हैं वो वर्टिकल हीटिंग जिसको बोलते हैं कन्वेक्शन उसकी वजह से हीटप होती है ये चीज़ हमें पता है हमारी अर्थ सर्फेस इंसोलेशन की वजह से हीट होती है हमारा एटमोसफियर टेरेस्टियल रेडिएशन की वजह से हीट होता है लैप्स रेट कितना है ये बताइए और ट्रोपोस्फियर की मंडल की थिकनेस या फिर हाइट कहाँ तक जाती है एवरेज बताइएगा ठीक है तो लैप्स रेट अगर बात करें 165 मीटर पे एक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घटता है ट्रोपोस्फियर में छोभ मंडल में जहाँ पर सारी मौसमी घटनाएं होती हैं वेदर फिनमिना सारे होते हैं और ट्रोपोस्फियर की अगर बात करें तो इसकी थिकनेस अगर अगर एवरेज की अगर बात करें तो दैट इज़ थर्टीन किलोमीटर्स और पोल्स पे एट होती है एट किलोमीटर होती है और इक्वेटर पे एटीन होती है बिकॉज यहाँ पे आपकी जो कन्वेक्शन सेल्स डेवलप होते हैं ऊपर तक डेवलप होते हैं ट्रोपोपॉज यहाँ ऊपर तक आपको देखने को मिलता है ट्रोपोपॉज वो होता है जहाँ ट्रोपोस्फियर खत्म होता है स्टाटोसफियर आपका स्टार्ट होता है स्ट्राटोसफियर में फिर से टेम्परेचर बढ़ता है ओजोन लेयर होती है और मेजोसफियर में फिर से घटता है जहाँ पर मेट्योराइट्स ख़त्म होते हैं और यहीं पर आपका सबसे लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है उसके ऊपर थर्मोस्फियर है जहाँ पर आयन्स मिलते हैं जिसको आपकी आयोनोसफेयर के नाम से जानते हैं वो सबसे गर्म लेयर होती है और उसी लेयर से हमारे रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट होकर आते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वॉज डेवलप ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जी ओ आई कंप्यूटर के निम्नलिखित में से किस पीढ़ी के दौरान विकसित किया गया था ऑप्शन आपके सामने हैं सही आंसर यहाँ पे क्या होगा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट फोर्थ जनरेशन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है वैक्यूम ट्यूब्स का यूज करते थे ये सेकेंड जनरेशन का अगर बात करें तो ये ट्रांजिस्टर्स लेके आए ट्रांजिस्टर्स और थर्ड जनरेशन की अगर बात करें तो इंटीग्रेटेड लेके और फोर्थ जनरेशन में इंट्रोड्यूस किया माइक्रो प्रोसेसर्स का तो जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था दट वॉज इट वॉज इंट्रोड्यूस वॉज डेवलप ड्यूरिंग दी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स ट्वेंटी टू स्टू ऑफ इक्वलिटी इन दिन स्टैचूक्टीट किया गया तो uh, विवेकानंद के नाम से करेंगे बहुत ज्यादा चांसेस वेस्ट बंगाल में करेंगे राइट तो यहां रामन जो चार होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हैदराबाद में हैदराबाद से याद आना चाहिए आपको ऑपरेशन पोलो हम लोगों ने पढ़ा था ऑपरेशन पोलो कब हुआ था और आपको हैदराबाद हाँ बिकॉज हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे टोटल फाइव फिफ्टी नाइन जो थे प्रिंसली स्टेट उन्होंने एग्री कर लिया था हैदराबाद जूनागढ़ जम्मू कश्मीर मान नहीं रहे थे हैदराबाद को हमने पुलिस एक्सेशन से पुलिस एक्सेशन से 1948 में इंडिया का हिस्सा बनाया था और जूनागढ़ में प्लेबिसाइड करवाया था नहीं वोटिंग करवाई थी और जम्मू कश्मीर ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन साइन कर लिया था वहाँ के महाराजा हरी सिंह ने ठीक स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद के बारे में आई थिंक अभी क्वेश्चन होगा आई थिंक शायद फर्टीन लेक्चर में था तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे स्वामी दयानंद 1875 आर्य समाज की स्थापना करी और आर्य समाज का पहला हेडक्वार्टर कहाँ पे था ये कॉमेंट बताइए इंडिया फॉर इंडियंस दिया गो बैक टू वेदास दिया इन्होंने वेदों की ओर लोटो और इन्होंने आर्य समाज के थ्रू प्योरीफिकेशन मूवमेंट चलाया था शुद्धि जिसको मूवमेंट बोलते हैं शुद्धि मूवमेंट चलाया था प्योरीफिकेशन मूवमेंट बोलते हैं ये चीज़ याद रखिएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं और स्टैचू ऑफ ये इक्वालिटी की बात हो रही है ठीक है स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल ठीक है 182 मीटर हाइट है और थर्टी अक्टूबर uh, को नेशनल यूनिटी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ इंडस वाली सिविलाइजेशन हैज़ अ डॉक यार्ड बीन फाउंड यहाँ पे डॉक यार्ड किस में देखने को मिला है डॉक यार्ड वहाँ पे देखने को मिला होगा जहाँ पे हमारा पोर्ट साइट होगा वो कौन सा है ट्वेल्थ जनवरी बिल्कुल सही है विवेकानंद अभी देखेंगे क्वेश्चन ठीक है निखा जरीन बिल्कुल निखा जरीन यहाँ से आपके बिलोंग करती हैं हम्म सबका सही है चनहुदड़ो चनहुदड़ो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा लोथल ठीक है फर्स्ट होगा लोथल में आपको डोक मिला ठीक है और लोथल किस नदी किनारे भोगावा नदी के किनारे आपको देखने को मिलेगा गुजरात में चन् हुदड़ू की अगर बात करें तो ये पाकिस्तान में है साइट और इट वाज अ साइट विदाउट सीटा डेल सीटा डेल यहाँ पर नहीं था सीटा डेल क्या हुआ करता था सीटा डेल ऐसे होता था वेस्टर्न साइड जो कि हायर होता था बट शॉर्टर होता था हायर प्लेटफॉर्म भी होता था बट शॉटर होता था ईस्टर्न साइड लोअर होता था बट थोड़ा सा बड़ा होता था ठीक है काली बंगन में बैंगल्स देखने को मिले ठीक है कंगन वगैरह देखने को मिले और ढोला वीरा भी आपकी गुजरात में है बाकी आईवीसी की बात करें आई थिंक हम लोग ये डिस्कस पहले कर चुके हैं जल्दी से बताइए इसकी नॉर्दर्न मोस्ट साइट वेस्ट सदर्न वेस्ट, ईस्टर्न वेस्ट, और वेस्टर्न ठीक है दयाराम राम सानी ने हड़प्पा डिस्कवर किया था नाइनटीन में रावी नदी के तट पर और मोहनजदार राखलदास बनर्जी नाइनटीन जो कि इंडस रिवर किनारे मोहनजदारो में आपको देखने को मिलता है ग्रेट बाथ बाथ ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार विशाल स्नानागार क्यों था वो स्नान करते थे लोग जब पावन पर्व होते थे पूजा वगैरह होती थी तो उसी में बाथिंग होती थी मतलब रिलीजियस रिचुअल्स के लिए जो बाथिंग होती थी उसके लिए था मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ ग्रेट ग्रैनरी था विशाल अन्नागार जैसे कि हमारा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बोल सकते हैं उस टाइम का ठीक है एक असेंबली हॉल होता था और एक आपकी डांसिंग गर्ल का स्टैचू मिला था और इसको माउंट ऑफ डेड यानी कि मृतकों के टीले के नाम से जाना जाता है हमने इंटोटेक्चर में देखा था मोहन के पास में कोट दिजी करके साइट है पाकिस्तान में वो मिलती है और आमरी कोट दिजी और आमरी नॉर्दन मोस्ट अगर साइट के और इस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जनरल गवर्नर जनरल कौन होता था, था ये बताइए और फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे किसको बोलते हैं तो अगर नॉर्दर्न मोस्ट बात करेंगे मांडा जम्मू कश्मीर में सदर्न मोस्ट अगर बात करें दइमाबाद महाराष्ट्र में ईस्टर्न मोस्ट आलमगीरपुर यूपी में और सुतानगढ़ और पाकिस्तान में आपका वेस्टर्न मोस्ट साइट आपको देखने को मिलेगा और इस समय थे जब हड़प्पा का ये सब हुआ जॉन मार्शल थे बट पहले वाले थे जिनको कि फ़ादर ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बोलते हैं एलेक्जेंडर कनिंगम ट्वेंटी फोर ऑफ फ्री मार्केट इकॉमी इज क्रूशल एस्पेक्ट ऑफ एक फ्री मार्केट जो इकोनॉमी है किसका क्रूशल एस्पेक्ट है फ्री मार्केट यानी कि मार्केट पूरी तरह से फ्री है सोशलिज्म कैपिटलिज्म फ्यूडलिज्म या फिर फंक्शनलिस्ट तो सोशलिज्म में एक तरह से हम बोल सकते हैं कि मार्केट आपकी फ्यूडलिज्म सॉरी 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 फ्री मार्केट इकोनॉमी में आपका आएगा कैपिटलिज्मीक है फ्री मार्केट इकॉनमी में आपका कैपिटलिज्म आएगा क्यों आएगा बिकॉज यहाँ पे सही सभी को ठीक है सभी को एक तरह से ये पावर है कि वो अपना डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे विदाउट एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन सोशलिज्म में क्या है गवर्नमेंट का इंटरवेंशन रहता है कि गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट रहेगी सोशलिज्म कैपिटलिज्म में क्या है कि गवर्नमेंट ने खुला छूट दे रखी है कि डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे जिसको जितना काम करना है वो काम कर सकता है तो आंसर यहाँ पे कैपिटलिज्म होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड ठीक है यहाँ डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर चीजें काम करती हैं यहाँ पे क्या सोशलिज्म जैसे कि रशिया हो गया नॉर्थ कोरिया इसका एग्जाम्पल हो गया ठीक है कैपिटलिज्म की अगर बात करें यूएसए हो गया इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल और इंडिया भी अब धीरे 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 हम क्या मिक्स्ड इकोनॉमी इकॉनमी है करेंटली बट मिक्स से हम धीरे धीरे कैपिटलिज्म की ओर बढ़ रहे हैं ना जहाँ पे हम चीज़ों को प्राइवेटाइज कर रहे हैं वॉट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट द थर्ड ऑर्बिट और एम शेल कैन हैव वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो थर्ड शेल जो हमारा एम शेल होता है तो शेल क्या होता है शेल होता है ऑर्बिट ऑर्बिट क्या होता है पाथ पाथ क्या होता है रास्ता रास्ता क्या होता है वो रास्ता जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस जिस तरह हमारे डिफरेंट प्लानट्स रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सेंटर और वो है सन उसी तरह न्यूक्लियस के अराउंड हमारे ऑर्बिट में अपने अपने ऑर्बिट में हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो घूम रहे हैं ठीक है न्यूक्लियस की अगर बात करें तो न्यूक्लियस में क्या क्या देखने को मिलता है ये जरा बताइए कमेंट में और न्यूक्लियस में ही पूरा मास ऑफ दी एटम रिसाइड करता है ये रदर फोर्ड ने अल्फा गोल्ड पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से बताया था सबसे पहली जो सेल है फर्स्ट शेल उसको बोलते हैं के एल एम एन ओ एंड सो ऑन करके ऐसे हमारी शेल्स होती हैं ऑर्बिट्स होती हैं और इसको इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने घूम सकते हैं दैट फॉर्मुलाइज टू एन स्क्वायर एन यहाँ पे नंबर ऑफ शेल है पहली शेल के शेल है तो एन की जगह वन रख दीजिए तो पहली शेल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन घूमेंगे दूसरी में चौथी वाले में यहाँ पे टू रख दीजिए तो टू का स्क्वायर फोर फोर इंटू टू एट घूमेंगे एम एम में थ्री थ्री इंटू थ्री नाइन नाइन इंटू टू एटीन ऑप्शन नंबर थर्ड के एल एम एन ऐसे करके ये एक्चुअल बोर बरी ने इसको दिया था कि किस तरह से आप नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कर सकते हो ठीक है और न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और टोटल मास जो होता है वो यहीं पर रिसाइड करता है इलेक्ट्रॉन्स तो बस घूमते हैं और इलेक्ट्रॉन घूमते हैं अपनी एनर्जी से नहीं घूमते हैं इन शेल्स की एनर्जी होती है इससे घूम यहाँ पर ये यह चक्कर लगाते हैं कौन हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ऐसा बताया था हमारे डॉल्टन जी ने जिन्होंने अटामिक थ्योरी दी थी परमाणु सिद्धांत दिया था ठीक है क्योंकि खुद की एनर्जी होती है जिसके बेसिस पे वो इस तरह से घूम रहे हैं डाल्टन ने ही सबसे पहले केमिकल सिंबल का यूज किया था और इन केमिकल सिंबल को दिया किसने था सबसे पहले ये कॉमेंट बता दीजिए जल्दी से अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सेट की ओर एंड दैट इज सेट नंबर फोर्टीनथ तो केमिकल सिंबल को ध्यान रखा दिया था बर्जीलियस ने किसने दिया था बर्जीलियस ने दिया था केमिकल सिंबल ने और बर्जीलियस ने ही एक और तरह का जो कंपाउंड है उसका खोज करी थी कोई बताएगा वो कंपाउंड कौन सा था आपका जिसकी ब्रजिलियस ने खोज करी थी लेक्चर नंबर फोर्टीन पहला क्वेश्चन हम्म हम्म आंसर तो सही नहीं आ रहा है किसी का ब्रज़िलियस ने केमिकल एलिमेंट तो सिंबल तो डिस्कवर किए थे बट ध्यान रखना इन्होंने आ... काफ़ी सारे जैसे एक सेलेनियम uh, करके था ठीक है उसको आइसोलेट वगैरह किया था मतलब इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है और काफ़ी चीज़ हैं ठीक है थीके? जैसे कि आपसे आई थिंक इस तरह से क्वेश्चन पूछा था फिन रॉन्ग कि सेलेनियम हो गया सीरियम हो गया इन सब की डिस्कवरी किसने करी थी तो ब्रजीलियस जी ने करी थी ठीक है मुझे कंपाउंड बोलना तो सही नहीं था एलिमेंट बोलना चाहिए था कोई नहीं अगला क्वेश्चन करते हैं मतलब अगला समय मतलब पहला क्वेश्चन करते हैं फोर्टीन सेट का एंड दैट इज जो पिट्स इंडिया एक्ट है उसने किसको मतलब ओ, या था जिसने के डिस्टिंग्विश किया था अलग अलग किया था कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को जबरदस्त क्लास फास्ट हैं। भाई मेरी इतनी स्पीड है और कितनी स्पीड बढ़ाएं? थोड़ा सांस लेने दो कि नहीं पानी पी लें घोट परमिशन हो तो सेवनटीन एटी फोर 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है सबसे पहला एक्ट था जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को अफेयर्स रे, को रेगुलेट करना चालू किया था इसने गवर्नर ऑफ़ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया था पहला कौन था बताइए 1773 में बोला था सुप्रीम कोर्ट एट कलकाटा इस्टैब्लिश कर लो ठीक है सुप्रीम कोर्ट एट कैलकटा तो पहला गवर्नर जनरल था हमारा आ, कौन वॉरन हेस्टिंग था पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरन हेस्टिंग पहला गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था क्लाइव था जो लाया था क्या जो लाया था सेवनटीन में हमने देखा था डूल गवर्नमेंट इन बंगाल जिसको खत्म किया था वॉर एस ने इन सेवनटीन ठीक है सेवनटीन में आया था पिट्स इंडिया एक्ट इसने डिस्टिंग्विश किया कॉमर्शियल और पोलिटिकल फंक्शन को हुआ क्या था पोलिटिकल फंक्शन कॉमर्शियल फंक्शन को मैनेज कर रहा था कोर्ट ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और पॉलिटिकल फंक्शन या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को मेंटेन करने के लिए कंट्रोल करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्ट बोर्ड ऑफ गवर्नर नामक एक संस्था का इसने गठन कर दिया तो एक तरह से ये डुअल गवर्नमेंट तरह से हम बोल सकते हैं स्टार्ट कर दिया जिसका अंत होता है 1858 में अठारह में ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ जो गवर्नर है इसको खत्म कर दिया गया था जो जो चालू हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट से ठीक है आगे बढ़ते हैं सेवन स्वामी विवेकानंद डेथ एनिवर्सरी इज ऑब्जर्व ऑन तो डेथ एनिवर्सरी हम कब मनाते हैं फर्स्ट जुलाई फोर्थ जुलाई अगस्त वन या फिर अगस्त फोर सही आंसर होगा यहाँ पे फोर्थ जुलाई ऑप्शन नंबर सेकंड सही आंसर होगा और स्वामी विवेकानंद जी का जो बर्थ एनिवर्सरी है ट्वेल्थ ऑफ जनवरी उसको हम किस रूप में सेलिब्रेट करते हैं? उसको हम नेशनल यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल यूथ डे अगर बात करें 12 अगस्त को होता है नेशनल यूथ डे 12 जान को होता है स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी 1897 में फर्स्ट मे 1897 नाइन्टी सेवन और फर्स्ट मे को हम कौन सा डे मनाते हैं जरा कमेंट में जल्दी से बताइए एटीन में हेड क्वार्टर था बेलूर मठ ठीक है बेलूर मठ था और अपने गुरु रामकृष्ण जो परमस थे उनके नाम पर इसको इसकी स्थापना करी थी इनका बचपन का नाम क्या था तो इनके बचपन का नाम था नरेंद्र दत्ता ठीक है नरेंद्र नाथ दत्ता था और इनके गुरु जो रामकृष्ण थे उनके बचपन का नाम क्या था जल्दी से बताएंगे जी से उनके बचपन का नाम चालू होता है और और क्या हाँ, 1893 में इन्होंने शिकागो में एक स्पीच भी दी थी ठीक है शिकागो में इन्होंने एक स्पीच दी थी और कुछ यहाँ पे रिकॉल कर सकते हैं क्या <laughs> और, कुछ और, कुछ और कुछ और कुछ और कुछ नहीं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे जल्दी से करिए थर्ड है सेंसेशन और फीलिंग फुल इज़ बिकॉज ऑफ अ सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर और वो कौन सा है ये आपको जल्दी से बताना है और हाँ एक क्वेश्चन वही मैं सोच रहा था कुछ तो बोल रहा हूँ मैं कि इनकी थर्टी नाइन ईयर्स की एज में इनकी डेथ हुई थी अभी भी क्वेश्चन पूछा गया था और इनके नाम पे एक रॉक मेमोरियल है वो है तमिलनाडु में और इनकी किताबें जैसे राजयोग हो गई कर्मयोग हो गई इनकी किताबों के नाम है अगला क्वेश्चन है आपका कि द सेंसेशन ऑफ बींग फुल इज बिकॉज ऑफ सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर विच इज़ इन सेपरेट पार्ट ऑफ विच पार्ट ऑफ ब्रेन तो अंदर से आपको सेंसेशन हो रही हैं ठीक है थीके? अंदर वाली जो सेंसेशन होती हैं वो कौन करता है हाइपोथालमस किसी भी तरह की जो सेंसेशन होती है कि भूख लगी है प्यास लगी है ठीक है वो सारी चीज़ हाइपोथालमस बताता है जो कि फोर ब्रेन का पार्ट होता है अग्र मस्तिष्क का, का पार्ट होता है हाइपोथालमस ठीक है यानी कि इनर बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का भी काम हाइपोथलमस करता है जो हंगर और थर्स्ट इन सबसे एसोसिएटेड है बात करें हमारा सेरिब्रम मेमोरी से एसोसिएटेड है थै, और थैलमस हमारा पेन या फिर सेंसेशन आउटर पेन है जो आउटर सेंसेशन होता है उससे रिलेटेड है मिड ब्रेन की अगर बात करें मध्य मस्तिष्क की ये ये आपका रिलेटेड है इनवॉलेंट्री एक्शंस है जैसे कि हमारा जो आइरिस है पीपल का जो साइज़ है वो जो अपने आप चेंज होता रहता है दैट इज़ मिड ब्रेन देखता है हिंड ब्रेन का पार्ट होते हैं तीन चीजें एक तो सेरिबेलम जो कि बैलेंस या पोस्चर मेंटेन करता है मेडुलॉब लोंगोटा यानी कि मेरू मज्जा जिसको हिंदी बोलते हैं तो ये आपका क्या करता है मेडुलॉब लोंगटा ये करता है आपका ए एन एस ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को हार्ट बीट को आपका वो कंट्रोल करता है और अगर हम बात करें जो पॉन्स होता है पॉन्स किसको कनेक्ट करता है ब्रेन को सिर को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करने का काम करता है न्यूरॉन बेसिक यूनिट होती है हमारी पूरे नर्वस सिस्टम की और पिट्यूटरी ग्लैंड है ये ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं मास्टर ग्लैंड और ये क्या सक्रीट करता है ये ग्रोथ हार्मोन से करता है और अगर एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन का सेक्रीशन हो गया तो कौन सी बीमारी हो जाएगी जिसका नाम ए से चालू होता है और Uh, इसका नाम क्या होगा इसका नाम होगा आपका एक्रो नाम होगा ठीक है एक्रो इसका नाम होगा और कौन सा हमारा ग्लैंड होता है जो कि मेलाटोनिन जिसको कि हम स्लीप हार्मोन के नाम से भी जानते हैं वो रिलीज करता है कौन सा हमारा ग्लैंड है जो रिलीज करता है फ्लाइट एंड फाइट हारमोन को फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन को सेक्स हार्मोन की बात करें तो मेल और फीमेल में जल्दी से बताइए मेलाटोनिन आपका रिलीज करता है पीनियल जो ग्लैंड होता है पी शेप पी शेप का साइज का होता है ठीक है फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन को रिलीज़ करता है एडर्नलिन ग्लैंड जो होता है एडरनलिन हार्मोन रिलीज़ करते हैं जो कि किडनी के ऊपर कैप शाइ साइज स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलेंगे अच्छा ये बताइए कि कौन इंसुलिन को सेक्रेट करता है इंसुलिन वो हार्मोन है जो हमारे ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करता है सेक्स की अगर बात करें सेक्स हार्मोन की तो मेल में होता है टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में होता है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। वहीं अगर हार्मोन इन प्लांट की बात करें तो हमने क्या क्या हार्मोन पढ़े थे एक तो साइटोकिन पढ़ा था साइटोकिन और हमने पढ़ा था जिब्रेलिन, ठीक है जिब्रेलिन पढ़ा था ऑक्सिन पढ़ा था ऑक्सिन साइटोकिनिन, जिब्रेलिन, ये तीनों क्या करते हैं ग्रोथ कर, करते हैं ऑक्सिन ग्रोथ दिलवाएगा आपको साइटोकिन सेल डिवीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है सेल डिवीजन करवाता है जिब्रेलिन आपका जर्मिनेशन हो गया जी से जिब्रेलिन जी से जर्मिनेशन हो गया फ्लावरिंग हो गया ये सब जिब्रेलिन से होता है स्ट्रेस हार्मोन कौन सा होता है प्लांट में जल्दी से बताइए इंसुलिन सेक्रेट करते हैं पैनक्रियाज जो कि सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है पैनक्रियाज किस तरह के ग्लैंड है एक्जोक्राइन ग्लैंड है बिकॉज ये एंजाइम सेक्रेट करते हैं और उनको एंजाइम सेक्रेट करने के लिए डक्ट की जरूरत पड़ती है तो दीज रिक्वायर्ड डक्ट बट जो हमने डिस्कस किया पीनियल हो गया एडनलिन हो गया ठीक है या फिर पिट्यूट्री हो गया ठीक है थायरॉइड ग्लैंड हो गया जो थायरॉइड ग्लैंड जो थायरोक्सिन हार्मोन को सेक्रेट करता है जो गले में होता है वो थायरॉइड ग्लैंड की अगर बात करें जितने भी थाइराइड हो गया पिट्यूटरी हो गया पीनियल हो गया एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं बिकॉज ये डकलेस ग्लैंड होते हैं हार्मोन सेक्रीट करते हैं डायरेक्टली ब्लड में सक्रियट करते हैं ठीक है और अगर थायराइड हार्मोन की बात करें लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है थायराइड और लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सा है फिर ओवरऑल लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है लीवर है ठीक है जो कई तरह के एंजाइम सेक्रीट करते हम पढ़ पढ़ते पढ़े थे डाइजेशन में जैसे कि बाइल जूस उनमें से एक है पैनक्रियाज के आपके सेल्स होते हैं बीटा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगर हैंस वो इसको सेक्रीट करते हैं इंसुलिन को और स्ट्रेस हॉर्मोन होता है प्लांट में एप्सिसिक एसिड एप्सिसिक एसिड स्ट्रेस हार्मोन होता है और इसमें एक और हार्मोन होता है जो फ्रूट राइपिंग में हेल्प करते हैं दैट इज एथाइलिन Acetylene अलग होती है जो कि वेल्डिंग ऑफ गैस वेल्डिंग ऑफ मेटल्स में यूज होती है करेक्ट तो रिगार्डिंग कौन सा सही है पहली बात तो याद रखना नेशनल इनकम कैसा कॉन्सेप्ट है माइक्रो इकोनॉमिक से कॉन्सेप्ट फिर मैक्रो है। का तो सही आंसर क्या होगा यहां पे? सही आंसर होगा ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम जहाँ पे हम कंट्री की नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट टूल्स यूज कर लेते हैं जीडीपी है इसको एक्सप्रेस करने का एक तरीका जी तरीका है एन तरीका है एन एन तरीका है तो डिफरेंट तरीके हैं इसको एक्सप्रेस करने के और इसके निकालने के डिफरेंट तरीके हैं निकालने के तरीके हैं जैसे कि वैल्यू एडेड मेथड होता है इसका जिसको प्रोडक्शन मेथड के नाम से जानते हैं इनकम मेथड होता है एक एक्सपेंडिचर मेथड होता है वैल्यू एडेड मेथड में आउटपुट को घटा आउटपुट से घटा देते हैं

ठीक है और यहां पे अगर बात करेंगे जीडीपी से अगर जी में जाना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ देंगे आपको जी से जी एन पे आप पहुंच जाएंगे पूरा कॉन्सेप्ट हो गया हमारा नेशनल इनकम का फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग दर फोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम रदर फोर्ड के और बेस ईयर बताइए जीडीपी का बेस ईयर क्या है और एक सेकेंड ठीक है जीडीपी का बेस ईयर बताइए और यहां पे आप बताइए जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है व्हाट इज जी डी डिफ्लेटर की वैल्यू क्या होती है जी डी पी डिफ्लेटर होता है हमारा नॉमिनल जी डी पी रियल जी डी पी इन टू हंड्रेड दैट इज़ आर जी डी पी डिफ्लेटर ठीक है और जो नॉमिनल जी डी पी होती है दैट इज़ नॉट एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन इसमें इन्फ्लेशन को घटाया नहीं है रियल जी डी पी में हमने इन्फ्लेशन को घटा दिया है इन्फ्लेशन एडजस्टेड जो जी डी पी होती है रियल जी डी पी होती है जी डी पी का बेस ईयर है दो हज़ार ग्यारह बारह और और जो, जो रियल जीडीपी है वो आपकी बेस ईयर में कैलकुलेट होती है बेस ईयर लेते हैं और उसके बेसिस पे कैलकुलेट होती है और बेस ईयर दो तो हज़ार ग्यारह बारह है नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द रदर फोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम पूरा मैंने एक्सप्लेन किया था किस तरह से डबली चार्ज हीलियम एटम को यानी कि अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करवाया था रदर फोर्स ने गोल्ड फॉयल में गोल्ड फॉयल को ही क्यों लिया था बिकॉज वो बहुत मैलिएबल होती है यानी उसकी थिन शीट्स ड्रॉ की जा सकती हैं तो इस वजह से गोल्ड को लिया था साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी लार्ज ना 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 साइज ऑफ न्यूक्लियस तो बहुत छोटा था वहीं पर सेंटर ऑफ सेंटर

ठीक है इलेक्ट्रॉन डिवॉल्व करते हैं सकला पास में अभी देख के देर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर अभी मैंने बताया तभी हल्का सा डिफ्लेक्शन हुआ क्योंकि जो डबली चार्ज जो हीलियम एटम है वो डबली पॉजिटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव पॉजिटिव में आपका पता है कि पॉजिटिव जो होते हैं यानी सेम जो चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं दूसरे को ठीक है नियरली ऑल दी मॉस ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस बिल्कुल बात सही है ठीक है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं मास नंबर में एटॉमिक नंबर को घटा देते हैं और जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं उनको क्या बोल देते हैं जरा कॉमेंट में बताइए अगला क्वेश्चन इज ऑफ द फॉलोइंग अ वनरेबल स्पीशीज

करता है ये कब स्टैब्लिश हुआ था 1984 में फ्रांस में स्टैब्लिश हुआ था इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज लोकेटेड बिटवीन दी जावासी एंड द इंडियन ओशन के बीच में कौन सी स्टेट है पाक स्टेट इंडिया श्रीलंका मलक्का स्टेट मलक्का है आपकी ये जो पूरा साउथ चाइना सी है और या जो आपका अंडमान सी है उसके बीच में है बट अगर बात करें जावा सी और इंडियन ओशन तो ये आपकी सुंडा स्टेट है कुक स्ट्रेट ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है एक्चुअली में इंग्लिश चैनल को कनेक्ट करती है वो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है एक यहाँ पे स्ट्रेट है इंपॉर्टेंट दैट इज़ बॉसफोरा स्टेट ये बताइए जल्दी से जिब्राल्टार बताइए जिब्राल्टार किसको कनेक्ट करता है बाबल मानदेव जिसको गेटवे ऑफ टीयर्स के नाम से जानते हैं ये किसको कनेक्ट करता है और कर्च स्टेट किसको कनेक्ट करता है तो बॉस्फोरस की अगर बात करें ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से कनेक्ट करता है ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से ये जो कर्च स्टेट है ब्लैक सी को सी ऑफ अजोव से कनेक्ट करता है तो दोनों ब्लैक सी से ही रिलेटेड है आपके जिब्रालार कनेक्ट करता है आपका मेडिटरानियन सी को अटलांटिक ओशन से ठीक है और एक चीज ध्यान रखिए रखना भी एम टी एस में ये सवाल पूछा गया कि अटलांटिक जो ओशन है या फिर कौन सा ओशन मेडिटरानियन सी तक एक्सटेंड होता है तो मेडिटरानियन सी तक एक्सटेंड होता है अटलांटिक ओशन ही हम लोग अभी मॉर्निंग वाले क्लास में भी करी चुके हैं बाबल मानदेव की अगर बात करें तो गल्फ ऑफ एडन और रेड सी लाल सागर रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट करने का काम करता है बाबल मानदेव आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एट विच द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इन दी एम एस वर्ड थ्री सिक्सटी फाइव तो कौन सा टाइप नहीं है इसमें तो प्रिसाइज करके ये कोई टाइप नहीं होता राइट जस्टिफाई सेंटर सारे आपके होते हैं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के टाइप्स इन दम एस वर्ड थ्री सिक्सटी फाइव क्वेश्चन नंबर नाइन अदिति मंगल दास इज अ लीडिंग डांसर एंड कोरियोग्राफर इन द इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ भरतनाट्यम कुछपुटी कथक कथक कली अदिति मंगल दास की हम लोगों ने एक ट्रिक याद करी थी अगर आपको याद हो कथक वाले कि अरे महाराज अरे महाराज क्या करो ठीक है ट्रिक याद है ना सभी को ठीक है तो उसमें हमारी सबसे लास्ट में क्या आ रही थी कि मंगल ही मंगल होगा तो मंगल से क्या है अदिति मंगल दास जिन लोगों को ट्रिक नहीं याद है और इसकी मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा बहुत लोग बोल रहे थे कि सर पी दे दीजिए इसकी तो पी भी मैं आपको दे दूंगा ठीक है आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड कथक ठीक है कथक कली से आपको याद आना चाहिए इसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी दैट इज कलसम कलसम है इसमें एक डांस सीक्वेंस भरतनाट्यम में मैंने आपको बताया था कलक क्षेत्र क्षेत्र एक स्टाइल ऑफ डांस है इन दी भरतनाट्यम भरतनाट्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें याद आनी चाहिए जो हम लोग पहले भी देख चुके हैं जैसे कि अला रिप्पू अला रिप्पू से वो सारे रिप्पू याद आने चाहिए जितने भी सारे स्टेजेस हैं इसके पुराने नाम एक हार तो मतलब सादिर इसका पुराना नाम है एक हार एक हार इसमें किया जाता है ठीक है नाट्य शास्त्र मेंशन है जिसको भरत मुनि ने कंपोज़ किया था ट्रिक तो यार हम आपकी पढ़ी हुई है वाइटी शॉट में आप जाके देख सकते हो तो अगर आपको नहीं पता कुडी वो सब ट्रिक एक हमें सब याद है ठीक तो है तो अब ज़्यादा एक्सपोनेंट हम लोग टाइम इन्वेस्ट करते नहीं अपना बिकॉज आई होप कि सबको ये सारी चीज़ें याद हैं बिकॉज हम लोग कर चुके हैं कथक ऐसे हैं भरतनाट्यम में भी जो रिसेंट में कभी क्वेश्चन पूछा गया था दैट वॉज रिगार्डिंग उर्मिला सत्यनारायण तो ये याद रखिएगा उर्मिला सत्यनारायण

ठीक है विच अमंग दी फॉलोइंग इज दी ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय अलाहाबाद तेलंगाना कलकत्ता या फिर आंध्र प्रदेश तो ओल्डेस्ट की अगर बात करेंगे आंसर होगा का कलकत्ता कब स्टैब्लिश हुआ था 1862 में एक्चुअली में जो बॉम्बे और मद्रास है वो भी 1862 में ही बने थे बट कलकत्ता का बनने के बाद बने थे इसके बाद हमारा जो फोर्थ हाईकोर्ट बना था दैट वॉज एटीन में अलाहाबाद का जो हाईकोर्ट था और हाई कोर्ट जरा ये बताइए कौन से पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए कौन से आर्टिकल में दिए हुए और किस अमेंडमेंट ने बोला था कि हाई कोर्ट शेयर हो सकते हैं तो पार्ट नंबर है सिक्स आर्टिकल नंबर टू फोर्टीन से लेकर टू थर्टी वन और सेवन्थ अमेंडमेंट ने बोला था कि आपके हाई हाईकोर्ट शेयर हो सकते हैं हु वॉज़ द फर्स्ट हाई कोर्ट हु वॉज द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट बताइए ठीक है उनके बेटे हैं जिनकी किताब का नाम है अ सूटेबल बॉय उनके बेटे हैं जिनकी किताब का नाम है अ सूटेबल बॉय गेस करिए अगला क्वेश्चन है आर्टिकल 76 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद द ऑफिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग छिहत्तर छिहत्तर किसकी बात करता है भाई 74 बात करता है प्राइम मिनिस्टर दे आर शाल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू एड एंडवाइज प्रेसिडेंट यानी कि एक मंत्री परिषद होना चाहिए जिसका अध्यक्ष होगा कौन प्राइम मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है एंड ही इज द डी फैक्टो हेड ही इज द रियल हेड नॉमिनल हेड तो ये होते हैं हमारे ये होते हैं नॉमिनल हेड डी ज्यूरे हेड होते हैं ये ठीक है वाइस प्रेसिडेंट की अगर बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल सेवेंटी सिक्स तो कोई लेना देना नहीं इनका ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पे सही आंसर होगा अटॉर्नी जनरल हाइएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री सबसे बड़े सर्वोच्च अधिकारी होते हैं कैन डू प्राइवेट प्रैक्टिस ही इज़ नॉट द फुल टाइम काउंसिल फॉर द गवर्नमेंट एंड फर्स्ट हमारे कौन थे एम सी सेतलवाद थे जो हमारे पोस्ट इंडिपेंडेंस जो हमारा पहला लॉ कमीशन बना था तो उसके चेयरमैन भी थे अभी कौन है आर वेंकट रमणी है ठीक है और, और कुछ क्वेश्चन मैंने आपसे यहाँ पे पूछा था क्या हाँ तो आपका आंसर होगा वो जो मैंने पीछे क्वेश्चन पूछा था लीला सेठ उनके बेटे हैं विक्रम सेठ इनकी किताब है सूटेबल बॉय ठीक चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ कुतुब मीनार इज एन एग्जांपल ऑफ कुतुब मीनार एक किस तरह का ये आपका आर्किटेक्चर है ये इंडो इस्लामिक है द्रविडियन है सूफ़ी है या फिर मॉडर्न है सही आंसर क्या होगा ये इंडो इस्लामिक टाइप का है कुतुब मीनार सब जानते हैं कुतुबुद्दीन एबक ने निर्माण चालू करवाया था फिर कंप्लीट इसको अलतुमिश ने करवाया था ऊपर का माला टूट गया था बिजली कड़कने की वजह से फिर शाह तुगलक ने उसको कंसल्ट करवाया था कुतुबुद्दीन एबक दिल्ली सल्तनत का एक फाउंडर था जो कि मोहम्मद गौरी का स्लेव था इसी वजह से इसने जो डायनेस्टी फॉर्म करी इसको स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं या फिर मामलुक वंश के नाम से जानते हैं जो बारह सौ छः ए डी में इसने सेटअप करी ठीक है बिकॉज इसका जो अगले शास शासक था इल्तुतमिश, वो इसका एक तरह से स्लेव था जिसने कि 1210 से रूल करना स्टार्ट किया 1236 तक रूल किया 1236 से लेकर 1240 तक उसकी बेटी रज़िया सुल्तान ने उसको रूल किया एंड देन फिर कुछ छोटे मोटे रूलर्स आए और उसके बाद बलबन ने फिल फाइनली इसको लीड किया ठीक है तो स्लेव डायनेस्टी 1206 तो में स्टार्ट हुई और यहीं से दिल्ली सल्तनत भी स्टार्ट होता है जो एंड होता है फिफ्टीन में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत से जहाँ पे बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा के मुगल वंश की एक तरह से स्थापना करी तो ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर पे बेस्ड था हमारा कुतुब मीनार क्वेश्चन नंबर थर्टीन और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान जी के बीच में बैटल आपको पता होना चाहिए फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन इलेवन नाइन्टी वन सेकेंड बैटल ऑफ तराइन इलेवन नाइन्टी टू और पृथ्वीराज चौहान जी को ही हम और किस नाम से जानते हैं पृथ्वीराज थर्ड के नाम से जानते हैं ठीक है पृथ्वीराज थर्ड इफ देर आर एन फर्म्स इन द कंपनी इन द इकोनमी ईच असाइंड विद अ सीरियल नंबर ऑफ फ्रॉम वन टू एन देन एज पर द प्रोडक्ट मैथड जी डी पी कैन बी रिटर्न एज जी डी पी को एज अ प्रोडक्ट मैथड हम किस तरह से लिख सकते हैं तो जी में हम क्या करते हैं प्रोडक्ट मेथड में सबको ऐड करेंगे GVA1 प्लेस GVA2 प्लेस दौट 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 जी वी ए वन प्लस जी वी ए टू प्लस डॉट 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 जी वी ए एन ठीक है इफ़ देर आर एन नंबर ऑफ फॉर्म पहली फॉर्म दूसरी फॉर्म सब का क्या कर देंगे यहाँ पे जोड़ कर देंगे और यहाँ से हमारा आ जाएगा जी प्रोडक्ट प्रोडक्शन मैथड से ठीक है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जितना भी प्रोडक्शन हुआ सबको जोड़ देंगे अगला क्वेश्चन है फोर्टीथ नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनो एटॉमिक यानी कि इनमें से कौन सा आपका एक परमाणु का नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन या फिर हीलियम बहुत आसान कॉन्प्ट होते हैं मैं आपको बार बार रिपीट करता हूँ कि वैलेंसी का जो कॉन्सेप्ट हो गया वैलेंसी क्या होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एज वैलेंसी ठीक है और जो एटोमिसिटी का जो परमाणुता का जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है वैलेंसी में आपको बता चुका हूँ कि कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन या लूज़ किया किसी एलिमेंट ने टू गेन दी स्टेबिलिटी दैट इज कॉल्ड एज वैलेंसी ठीक है और जल्दी से बताइए हमारे कुछ एलिमेंट के नाम जो होते हैं जिनमें मल्टीपल वैलेंसी एग्जिबिट करते हैं ठीक है उनका नाम बताइए तो वैलेंसी हम देख चुके हैं एटोमिसिटी देखते हैं तो नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो भाई ये आपका डायोटोमिक होगा ऑक्सीजन O2 अगेन डायोटोमिक क्लोरिन सी एल टू डायोटॉमिक हीय हीम हो या फिर कोई भी हमारी इनर्ट गैस हो हीलियम नियॉन ऑर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन रेडॉन सारी इनर्ट गैसेज एक तो इनकी वैलेंसी ज़ीरो होती है और इनकी ऑटोमिसिटी वन होती है ठीक है वैलेंसी जीरो किसकी होती है इनर्ट गैसेस की वन किसकी होती है एल्कली मेटल और हेलोजेंस की दो किसकी होती है अर्थ मेटल की और चैल्कोजन्स की ठीक है वैलेंसी अगर मल्टीपल बात करें तो सल्फर हो गया हमारा आयरन हो गया हमारा मरकरी हो गया हमारा कॉपर हो गया इन सब ये सब एग्जीबीट करते हैं मल्टीपल वैलेंसी वैलेंसी क्या होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं फिफ्टीथ नंबर विच आर द फॉलोइंग पर्सन और ये बताइए हमारी पीरियॉडिक टेबल में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं टोटल कितने एलिमेंट हैं इनमें से किस पर्सन को हैज बीन अवार्डेड नोबेल प्री पीस प्राइज सी वी रमन कैलाश सत्यार्थी अमद सेन अभिन्दनाथ टैगोर अभी देखा फिजिक्स के लिए मिला नाइनटीन में कैलाश सत्यार्थी टू में मिला पीस के लिए नाइनटीन में मिला अमर सेन को ठीक है और आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ पीस आर, पीस के लिए मिला रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि नाइनटीन थर्टीन सिक्सटीन क्वेश्चन गांधी जी एज डैश अराइव इन इंडिया नाइनटीन फिफ्टीन फ्रॉम साउथ अफ्रीका किस उम्र में गांधी जी भारत लौटे थे वह साउथ अफ्रीका से छियालीस उम्र में लौटे थे इनके जो पोलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले इन्होंने एक सोसाइटी की स्थापना भी करी थी जरा बताइए कब करी थी जरा कमेंट में तो उन्होंने बोला कि आप भारत का भ्रमण करिए उसके बाद उन्होंने भारत का भ्रमण किया और तीन बैक टू बैक मूवमेंट किए फिर चंपारण उन्नीस सौ तो सत्रह अगेंस्ट इनकटिया सिस्टम नाइनटीन एट्टी में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेला सत्याग्रह तो अहमदाबाद में क्या था सॉरी अहमदाबाद में क्या था प्लेग बोनस नहीं मिल रहा था और आ, आ, खेड़ा में क्या था जो एक तरह का टैक्स था टैक्स में छूट वो नहीं मिल रही थी ठीक है और तीनों ही कहीं ना कहीं गांधी जी के सक्सेसफुल रहे ठीक है। नाइन्थ जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी ने सर्वेंट्स की 1905 में। 1905 में। 1905 में स्थापना ये? <laughs> ये? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने कौन सा हाउस बनाया था जरा बताइए जल्दी से श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस बनाया था इन्होंने श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका निकाली थी इंडियन सोशियोलॉजिस्ट ठीक है और 1899 में मित्र मेला किसने बनाया था जरा बताइए 1899 में मित्र मेला तो ये बनाया था सावरकर ब्रदर्स ने विनायक सावरकर और गणेश सावरकर जी ने विच अमंग की फॉलोइंग इज़ अ वायरल डिजीज वायरस की वजह से से कौन सी डिजीज़ होती है चिकन पॉक्स टीबी वोपिंग कफ या फिर मलेरिया तो यहाँ पे आंसर अभी हम लोगों ने ठीक है टीबी तो अभी बनाया होता था बैक्टीरिया की वजह से होती है ठीक है मलेरिया प्रोटोजवा की वजह से होती है प्लाज्मोडियम मल्टीपल फिजन पच्चीस अप्रैल सिंचोना एवरग्रीन हो गया याद चिकन पॉक्स पे आता है चिकन पॉक्स सही आंसर होगा इसको याद करने की ट्रिक क्या थी ठीक है डॉक्टर मिश्रा हैं, बेस्ट हैं एमपी वाले ठीक है डॉक्टर से हो गया था डेंगू मिश्रा में एम आई एस एच आर ए में अगर बात करें एम से था हमारा क्या मीजल्स आई से था इंफ्लुएंजा एस से था स्वाइन फ्लू एच से था हेपेटाइटिस और आर से था रेबीज और ए से था हमारा एड्स एड्स फर्स्ट दिसंबर एच ठीक और ये आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया सेक्शुअल कॉन्टैक्ट हो गया इन सबसे स्प्रेड होता है और बेस्ट बी ई एस टी इसमें बी से है आपका बर्ड फ्लू ई से आ, कौन सा होता है वो क्या मैंने बताया था ई e से क्या बताया था बोल रहा हूँ मैं किसी को याद आ रहा है तो अगर बता सकता है तो बताएं एस से स्मॉल पॉक्स और टी से कुछ नहीं था आई थिंक और एम पी एम पी से एम से था मम्स और पी से था आपका पोलियो ठीक है और ख़त्म बस वायरल डिजीज़ हो गई फंगस अभी देखा था बरसा से याद किया था बी ए बी से बालनेस ए से अस्थमा आर से आ, आर से आपका ये रिंग वॉम और बर सा एस 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 के बीज और ए से आपका एथलीट फुट एटीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड फॉर्मेट इन एम एस पावर पॉइंट थ्री सिक्सटी फाइव में एक कौन सा मान्य फाइल स्वरूप नहीं है तो डॉट पी डब्ल्यू पी टी कोई मान्य फाइल स्वरूप नहीं होता एग्जिस्ट ही नहीं करता इस तरह का फाइल फॉर्मेट फर्स्ट इंडियन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ नाइनटीन फिफ्टी वन वॉज दफ़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडेड विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स पहले संविधान संशोधन ने कौन सा अनुसूची को जोड़ा था आठ अनुसूचित है एज ऑफ ट्वेंटी सिक्स नवंबर नाइनटीन फोटी नाइन फिर हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ जिसे नाइन्थ शेड्यूल को जोड़ा ठीक है नाइनटीन फिफ्टी वन में ये किसकी बात करता है जमींदारी या फिर जमींदारी लॉस को जो हमने वो किया था हटाया था या और लैंड रिफॉर्म मूवमेंट से डील करता है इसी ने बोला था नाइन्थ की पार्लियामेंट ने बोला था कि इसमें जो भी चीज़ हम डाल देंगे वो बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू हो जाएगा बट केशव नंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट बोलता है अच्छा ऐसा है क्या ऐसा बिल्कुल नहीं इससे पहले जो तुमने अभी तक डाला वो सब ठीक है लेकिन आगे से ऐसा कुछ नहीं है बिकॉज जुडिशियल रिव्यू इज़ द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय बेसिक फीचर कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशन नहीं है नाइन्थ शेड्यूल की अगर बात करें ठीक है मैंने गलती से टेंथ टिक कर दिया नाइन्थ होगा यहाँ पे टेंथ अगर बात करें टेंथ है आपका फिफ्टी सेकेंड अमेंडमेंट से एड किया गया नाइन्टीन एटी फाइव उन्नीस सौ पचासी में एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करता है एंटी डिफेक्शन लॉ के केस में कोई अगर मेंबर डिसक्वालीफाई है या नहीं है ये कौन डिसाइड करेगा किसका डिसीजन यहाँ पे फाइनल होगा ये जल्दी से बताइए और ये कब पे कोई डिस्कालीफाई हो सकता है अगर पार्टी के द्वारा दिए गए निर्देशों को डायरेक्शंस को या फिर विप जो विप होता है पॉलिटिकल पार्टी का एक जो मॉनिटर होता है विप उसके डायरेक्शन को नहीं माना तो डिस्कालीफाई हो जाओगे इंडिपेंडेंट मेंबर है अगर उसने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली डिस्कालीफाई हो जाएगा नॉमिनेटेड मेंबर है छह महीने के बाद पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है तो डिस्कालीफाई हो जाएगा या फिर अगर कोई अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी ज्वाइन कर लेता है एक्सेप्शन यहां पे मर्जर वाला केस है ठीक है और इसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर का डिसीजन फाइनल होता है पीठासीन अधिकारी का यानी लोकसभा के केस के के में स्पीकर वहां का जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है ओम बिड़ला है और राज्यसभा के केस में राज्यसभा का जो चेयरमैन है अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है देश के जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं इज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो कौन है हमारे जगदीप धनखड़ जी हैं ठीक है और ये हो गया ठीक है और इलेवन की अगर बात करें सेवेंटी अमेंडमेंट एमेंडमेंट और पी वी नरसिम्हा राव जी समय प्राइम मिनिस्टर थे पंचायत के बारे में बात करता है ट्वेंटी फंक्शनल आइटम्स है इसमें और अगर बात करें सेवेंटी फोर्थमेंट यानी नगर पालिकाओं के बारे में बताता ये है ये पार्ट नंबर नाइन है ये पार्ट नंबर नाइन ए है और ये एटीन फंक्शनल आइटम्स की बात करता है और पार्ट नंबर नाइन बी में क्या है आप कॉमेंट बताएंगे और उसको किस अमेंडमेंट से ऐड किया गया था यह बताएंगे ठीक है 29 फंक्शनल आइटम और वो आर्टिकल तो हम रटी चुके हैं रोज का हमारा वो पार्ट नंबर नाइन बी में कोऑपरेटिव सोसाइटी है और इससे आपको याद आना चाहिए नाइन सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ट्वेंटी एथ एस्टीरोइड बेल्ट जो है किन दो ग्रहों के बीच में है बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है यह जो बेल्ट है को दो कैटेगरी में डिवाइड करता है लेफ्ट वाले को बोलते हैं टेरेस्टियल uh, यानी स्थलीय ग्रह के नाम से जानते हैं टेरेस्टियल प्लेट या फिर इंटीरियर प्लेनेट राइट साइड वालों को जानते हैं गैसीय ग्रह फिर जोवियन प्लेनेट के नाम से फिर एक्सटीरियर बाह ग्रह के से जानते हैं ठीक है यहां पे मार्स है और यहां पे जुपिटर है मार्स और जुपिटर के बीच में देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सेकंड मार्स रेड प्लेनेट होता है आपका रेड क्यों होता है ड्यू टू आयरन ऑक्साइड दो सैटेलाइट हैं फोबोस फोबोजिमोस निक्स ओलंपिया सबसे हाईएस्ट माउंटेन है पूरा पूरे सोलर सिस्टम का जुपिटर में सबसे बड़ी सैटेलाइट है सबसे बड़ी सैटेलाइट का नाम है गैनीमेड सबसे ज्यादा यहाँ पे आपको मूंस देखने को मिलेंगे अभी प्रेजेंट टाइम में जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग और जुपिटर में आपका ये एक गैसी प्लानट है जुपिटर और सैटन गैसियस हैं यूरानस और नेपच्यून ये आपके आइस चैंट्स हैं ठीक है यूरानस सबसे ठंडा प्लानट है सबसे गर्म कौन सा है वीनस है ठीक है और इसके बाद नेपच्यून के बाद कौन सी बेल्ट स्टार्ट होती है ये बताएंगे दो प्लानिट है जो हमारे ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं वो कौन से हैं वीनस और यूरानस सारे वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं सैटर्न की सबसे कम डेंसिटी है अर्थ की सबसे ज़्यादा डेंसिटी है ठीक है और इसके बाद आती है हमारी क्यूपर बेल्ट ठीक है आप जल्दी से बताएंगे कौन सा प्लानट है जिसका हाइएस्ट रोटेशन स्पीड है और किसका हाइएस्ट फास्टेस्ट रेवोल्यूशन स्पीड है तो फास्टेस्ट रोटेशन स्पीड की अगर बात करेंगे आंसर वुड बी जुपिटर फास्टेस्ट रेवोल्यूशन पीरियड की अगर बात करेंगे आंसर वुड बी मरकरी मरकरी अट्ठासी दिन में एक चक्कर पूरा कर लेता है सूरज का और जुपिटर अपनी एक्सिस पे सोलह घंटे में ही घूम लेता है हमारी एक्सिस अर्थ की एक्सिस मतलब हमारी जो अर्थ की एक्सिस है वो कितनी टिल्टेड है ये आप कॉमेंट बताएंगे जल्दी से अर्थ कितनी टिल्टेड अपनी है अपनी एक्सिस से और किसको रोलिंग पैन के नाम से जानते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन सा नहीं है तो अगर हम बात करें नहीं है तो आई ये कोई ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है नाबार्ड 1982, 12 जुलाई शिव रमन कमेटी 1992 में एस बैंक लिंकेज प्रोग्राम स्टार्ट किया था इसने नेशनल हाउसिंग बैंक की अगर बात करें 1982, एट में ठीक है 1988 में स्टैब्लिश हुआ था और 1988 में ही सेबी भी इस्टैब्लिश हुआ था सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सिड भी कब इस्टिश हुआ था जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे ये भी बताएंगे जल्दी से एग्जिम की अगर बात करें एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक जब नाबार्ड स्टैब्लिश होता नाइनटीन में नाबार्ड एग्जिम एक साथ स्टैब्लिश हुए नेशनल हाउसिंग बैंक सेबी एक साथ स्थापित हुए और सिड भी हुआ आपका नाइनटीन में और इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में सेबी क्या करता है जो हमारा पूरा सिक्योरिटीज़ वाला जो मार्केट होता है स्टॉक्स वगैरह म्यूचुअल फंड ये सब सेबी का देखने का काम होता है ठीक है आगे बढ़े चलिए बढ़ जाते हैं ट्वेंटी टू कवाली वॉज ब्रॉट इन इंडिया फ्रॉम कवाली भारत में कहां से लाई गई कवाली भारत में कहां से लाई गई तो ये तुर्की से मंगोलिया से सऊदी अरेबिया से पर्शिया तो ये लाई गई पर्शिया से ठीक है पर्शिया से कवाली को लाया गया ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं बाकी इसमें तो और कुछ और कुछ नहीं है और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ, और कुछ, और कुछ नहीं ठीक है थीके? अगला क्वेश्चन है ट्वेंटी थर्ड दी अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ द ग्रेट हिमालयन रेंज ऑल्सो नन एज ए सेंट्रल एक्सियल रेंज इज डैश किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ठीक है तो ग्रेट हिमालय रेंज की अनुमानित लंबाई जिससे केंद्रीय रेंज के नाम से भी जाना जाता है पूर्व से पश्चिम तक कितना है तो ये कितनी है ये है आपकी पच्चीस किलोमीटर याद आना चाहिए आपको हिमालयन से बाकी तो ये परसों हम लोग करेंगे आज कल हाँ परसों करेंगे तो स्किप कर लें इसको चलो स्किप नहीं करते पूरी तरह से कुछ कुछ आप क्वेश्चन बताइए जल्दी से कि अगर हम इसका <coughs> रीजनल डिवीज़न करें तो इंडस और सतलज के बीच में जो आपको हिमालय देखने को मिलेगा उसको क्या बोलते हैं दूंस आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे ये बताइए ठीक है जो आपकी हाईएस्ट पीक्स हैं ऊंची ऊंची चोटी हैं वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे तो इंडस और सतलज के बीच में आईपीएस इंडस सतलज के बीच में पी आता है पंजाब हिमालय आ जाते हैं ठीक है थीके? पंजाब दूंस आते हैं आपके लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में आते हैं शिवालिक नॉर्थ ईस्ट में जाके एबसेंट हो जाते हैं इनकी जगह पर दुआार आ जाते हैं ठीक है और बाकी डिफरेंट नेम से जाने जाते हैं हमारे जो मिडिल हिमालय है जिनको मिडिल हिमालय को लेसर हिमालय के नाम से जानते हैं जैसे कि पीर पंजाल के नाम से कश्मीर में धौलाधर के नाम से हिमाचल में और नाग तिब्बा के नाम से उत्तराखंड में और महाभारत के नाम से नेपाल में जाने जाते हैं हाइएस्ट पीक आपको देखने को मिलती है ग्रेट हिमालय में जिसको कि हम हिमाद्री के नाम से जानते हैं लेसर हिमालय मिडिल हिमालय इसको हम हिमाचल के नाम से भी जानते हैं ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं या फिर इनर हिमालय के नाम से भी जानते हैं शिवालिक को आउटर हिमालय के नाम से जानते हैं क्लियर और अच्छा ये बताइए कि सतलज और काली के बीच में जो हिमालय हैं उनको किस नाम से जानते हैं काली और तीस्ता के बीच में जो हिमालय उनको किस नाम से जानते हैं अगला क्वेश्चन है वेस्टर्न घाट्स आर लोकली नोन एज बाई विच नेम इन महाराष्ट्र वेस्टर्न घाट्स को पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में किस नाम से जाना जाता है तो इनको जाना जाता है शहयादरी के नाम से विंध्यन रेंज के हाई एस्ट खादर क्या होता है गोंडवाना क्या होता है शिवालिक हिमादरी बिल्कुल सर ये क्वेश्चन था एक हिमालय पता था वह कितने नंबर से टोटल तेरह अच्छा ये किस क्वेश्चन मतलब किस एग्जाम में क्वेश्चन आया था यह बिल्कुल सही कुमाऊं हिमालय और वो आपका नेपाल हिमालय होगा ठीक है ये हो जाएगा आपका कुमाऊं हिमालयस कुमाऊं हिमालयस कुमाऊ और ये आपका हो जाएगा नेपाल हिमालयस ठीक है चलो तो शवयात्री सबका सही आंसर है अब बात कर लेते हैं विंध्या की हाईएस्ट पीक का नाम क्या पीक ऑफ गुडविल सद्भावना शिखर पीक खादर क्या है खादर है आपकी जो जलोड़ होती है उसमें नई जलोड़ न्यूअर एलुवियम का एक टाइप है ओल्डर एलुवियम क्या होती है भांगड़ होती है भाबर नहीं होती ध्यान रखना भाबर एक बेल्ट होती है जहां पे स्ट्रीम्स ऑफ रिवर्स क्या होता है हिमालय से यह भी पढ़ेंगे हम लोग कि किस तरह से स्ट्रीम ऑफ रिवर आती है बड़े बड़े पत्थर डिपॉजिट करती हैं खो जाती हैं भाबर होता है एलो ठीक है तराई मार्शी एरिया होता है बहुत दलदली क्षेत्र होता है तराई ठीक है और यहाँ पे होते हैं एलोवियल फ्लड प्लेन्स खादर नई जलोड़ और भांगर पुरानी जलोड़ होती है एलुवियल सॉइल की अगर बात करें इंडिया में 42% परसेंट एक्वायर करके बैठी है रिच होती है पोटाश में पुअर होती है फॉस्फोरस में और सबसे ज्यादा आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी एलुवियल सॉयल यह क्वेश्चन पूछा था अभी एम पेपर में गोंडवाना से गोंडवाना लैंड याद आना चाहिए और इससे याद आपको याद तो याद आना चाहिए वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वेगनर जी ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी उन्होंने ये बोला था पहले सारे कॉन्टिनेंट एक साथ थे जिनको बोला इन्होंने पैजिया पूरा पानी एक साथ था जिसको इन्होंने बोला पैंथल आसा फिर उन्होंने बोला जो पैंजिया ये टूटा दो हिस्सों में ऊपर वाला बोला लॉरेसिया और नीचे वाला बोला गोंडवाना लैंड ठीक है लॉरेसिया में हमारा जैसे नॉर्थ अमेरिका हो गया यूरोप आ गया ये सारे लॉरेसिया में थे गोंडवाना लैंड में ऑस्ट्रेलिया हो गया इंडिया हो गया ये सब गोंडवाना लैंड के पार्ट थे इंडिया में जो मेजरली जो कोल है वो गोंडवाना लैंड से ही एक तरह से मिलता है और फिर हमारे कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट किए जल्दी से बताइए सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी किसने दी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी किसने दी थी और ये मुझे बताइए कि जब हम सी फ्लोर में एंटर करते हैं ठीक है सी फ्लोर में एंटर करते हैं तो कौन सा वो फ्लोर होता है कौन सा सी का वो पार्ट होता है जहाँ पे हमें मोस्टली मिनरल्स देखने को मिलते हैं मिनरल्स का डिपोजिशन बहुत होता है जहाँ से हम ऑयल माइनिंग करते हैं ठीक है ऑयल जो माइनिंग करते हैं तेल निकालते हैं वो कहाँ से निकालते हैं कौन सा वो पार्ट होता है जिसका जो ग्रेडियंट होता है बहुत ज़्यादा नहीं होता है बहुत ही कम स्लोप होता है तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी दी थी हैरी हैस जी ने हैरी ओ हैस और मिनरल uh, और ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहाँ पे होती है ये होती है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में और डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री किस तरह की होती है कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव मिनरल ऑयल माइनिंग सब होती है कॉन्टीनेंटल शेल्फ से कॉन्टीनेंटल शेल्फ से इसका स्लोप उतना ज्यादा होता नहीं है और यहीं पे मोस्टली आपको रिजर्व्स जो फॉजिल्स हैं वो देखने को मिलते हैं फॉजिल्स स्टडी ऑफ फॉजिल्स पेलियंटोलॉजी कौन सी टाइप ऑफ रॉक है जिसमें फॉजिल्स आपको देखने को मिलते हैं जो कि लेयर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है डाइवर्जेंट होती है आपकी कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री बिकॉज यहां पर नया क्रस्ट जो है वो कंस्ट्रक्ट होता है सेडिमेंट्री टाइप ऑफ रॉक होती है जो कि मैकेनिकल फॉर्म में होती है केमिकल होती है और बायोलॉजिकल होती है उसमें आपको देखने को मिलते हैं क्या लेयर्स है, उसी में आपको देखने को मिलते हैं फॉजिल्स उसी में इसी, उसी से एक टर्म एसोसिएटेड है जिसको बोलते हैं लिथीफैक्शन जिसको कंपैक्शन के नाम से भी जानते हैं और लीनिएशन और फोलिएशन एसोसिएटेड टर्म्स कैसे मेटामॉर्फिक से मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है चेंज इन फॉर्म और चेंज इन फॉर्म कैसे होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लें Uh, मान लें किसको लें लाइम स्टोन तो लाइम स्टोन से ही जो कि हमारी सेडिमेंट्री रॉक है वो बनती है मार्बल मार्बल एक तरह की हमारी कैसी रॉक है मेटामॉर्फिक uh, है मार्बल हो गया क्वाडसाइट हो गया ठीक है चिस्ट हो गया ये सब हमारी कैसी रॉक है मेटामॉर्फिक मेटामॉर्फिक इग्नियस रॉक प्राइमरी रॉक है जो बेसिक लावा से बनती है और इसके एग्जाम्पल हैं गबरू ग्रेनाइट बसाल्ट प्यूमाइस जिसमें कि ग्रेनाइट जो है इंट्र्यूजिव इग्नियस रॉक है और जो आपकी बसाल्ट है वो एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक है इंट्र्यूजिव को हम इंट्रियूज प्लूटोनिक रॉक के नाम से भी जानते हैं ख़त्म

ठीक है एंटायर को आप इिमिनेट कर सकते हैं इरेजेबल परमानेंट या प्रोग्रामेबल बिल्कुल प्रोग्रामेबल होगा ना कंप्यूटर की बात हो रही है ऑप्शन नंबर थर्ड इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसका सही आंसर होगा सेशन होता है खत्म बताइए कैसा लगा सेशन जल्दी से कॉमेंट करके कैसा फील कर रहे हैं आप बिल्कुल बिल्कुल सही रवि वशिष्ठ ने ऐड किया ग्रेनाइट इससे मतलब रिव्यूजन किया करो कि मतलब हम्म ग्रेनाइट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ठीक है बसाल्ट ओशनिक क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ओशनिक क्रस्ट में कौन डेंसर होता है ओशनिक क्रस्ट मोटा कौन होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट दोनों मिलेंगे कौन धसेगा ओशनिक क्रस्ट ओशनिक क्रस्ट सबसाइड कर जाएगा यहाँ पे कन्वर्जेंस होता है तो क्या होता है सबडक्शन जोन क्रिएट होता है क्रस्ट डिस्ट्रॉय होता है इसको uh, इसको डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री के नाम से जानते हैं ठीक और ग्रेनाइट से ही हिमालय का कोर बना हुआ है ये भी क्वेश्चन अभी पूछा गया था आपके से सी में हिमालय का जो कोर है वो ग्रेनाइट से बना हुआ है ग्रेनेटिक रॉक से बना हुआ है ठीक है जोर का झटका है धीरे से लगा अच्छा लिख रहे हैं निरप निर निरपेन बंदोजी जी अच्छा मज़ा आया सेशन फिफ्टीन क्वेश्चन में क्या कुछ दिक्कत है क्या ओके सॉरी 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 पीस के लिए बोला था ना पीस के लिए पीस के लिए कैलाश सत्यार्थी जी आंसर होगा ठीक है ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर होगा पीस के लिए ठीक है सॉरी पीस के लिए मिला था इनको ठीक है रिली सॉरी फॉर दैट कैलाश सत्यार्थी को मलालाना यूसई के साथ ठीक है रबीन्द्र टैगोर जी को लिटरेचर के लिए मिला था फ्लो फ्लो में और किसी कुछ डाउट और किसी कुछ डाउट प्लीज अवेलेबल करवा दो ऑल हाइड क्लास नहीं वो तो नहीं हो पाएगा कंप्यूटर से भी फास्ट आपका स्पीड अच्छा खत्म की आवाज़ बड़ी अच्छी है ऐसा है क्या थैंक यू सर फॉर सेशन ओके सॉरी शक्ति राहुल गांधी सॉरी 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 मलाला हिपोक्रेसी हाँ मलाला हिपोक्रेसी उसका नाम होना चाहिए खैर जो भी है चलो भाई धन्यवाद मिलते हैं कल एट द सेम टाइम थैंक यू